अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कहते हैं लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन, यानी के हंसना और खिलखिलाना सबसे अच्छी दवा है। एक जमाना था कि पूरे मुल्क में ऐसी तकरीबें मुनक्कद होती थी जिसमें हंसने हंसाने का सिलसिला होता था। फैमिलीज के लिए हंसने की डिफरेंट चीजें होती थी, बहुत ज्यादा तफरी माहौल होता था और सारी फैमिलीज जाती थी बगैर किसी डर खौफ के, उन तकरीबात में जाती थी और मजा करती थी, तफरी करती थी। मगर अब ऐसा माहौल कोई क्रिएट हो गया है हमारे मुल्क में, ऐसा कुछ हो गया है कि हम लोग हंसने का मौका भी ढूंढते हैं तो भी मौका नहीं मिलता। तो हंसना जिंदगी में बहुत जरूरी है, सेहतमंद रहने के लिए, खुश रहने के लिए, अपनी स्ट्रेस रिलीज करने के लिए हंसना तो बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। इसलिए सुर साथ सवेरा में हम लोगों ने शो के शुरू से ही अपने साथ मेरे को होस्ट ऐसे आप लोगों के लिए रखे जो हंसाने का सिलसिला बरकरार रखते हैं और उनका होना इस सेट पे बहुत जरूरी है। आज का टॉपिक है हंसना जरूरी है और बरकत उज़्ज़मी को सबसे पहले मैं दावत देना चाहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। आप कहेंगे जेब में क्या है जो छुपा रहे हैं। मेरे साथ तो यही गम है भाई, ये चिपका हुआ। लेकिन ये बताएं कि अच्छा आज हंसने हंसाने का सिलसिला है और हमारे जो ये बजाने वाले, म्यूजिक बजाने वाले हैं अपना मुईज अकील और वसीम, ये भी मुस्कुराते रहते हैं। अच्छा इसकी क्या वजह? तो वसीम मौयत में गया, वहाँ बहुत मार खाई। क्यों? मुस्कुरा करके रहा, बड़ा अफसोस हुआ। तो इतना हंसना भी वक्त, जहाँ वक्त और मौका देख के हंसे, जहाँ आपने हंसना, लेकिन हंसना इज अ वेरी गुड थेरेपी। हंसना चाहिए, लाफ्टर थेरेपी, जिसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। और कहते हैं कि लाइफ इज अ मेड ऑफ प्रॉब्लम, लाइफ तो बनी है प्रॉब्लम से, तो आप उस प्रॉब्लम से निकलना बहुत मुश्किल है इस दौर में, लेकिन आपको निकलना जरूरी जो हालात है और आप इस शो से निकले। मगर आज का शो इसलिए भी स्पेशल है क्योंकि आज उज़्ज़मी की बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे। ये एंड में बताना था यार, जब एंड स्टोर चलते ना, एंड स्टोर। मोमबत्ती जल जाती है, आप जल्दी सवाल कर रहे थे। अच्छा जब आंधी आती तो क्या होता है? आंधी आती तो क्या होता है? लोग मुंह पे रुमाल रख लेते हैं। नहीं, दरवाजा बजता है। नहीं तो दरवाजे खिड़कियां बंद कर, लाइट चली जाती है। अरे बरकत तो आज चली जाती है, आंधी आए ना आए। आज का टॉपिक है हंसना जरूरी है और हमने अपने शो पे आज ऐसे मेहमानों को दावत दी है जो लाफ्टर थेरेपी करवाते हैं। लाफ्टर थेरेपी कराते हैं। लाफ्टर थेरेपी क्या होती है, कुछ पता है आप लोगों को? की कजन है। नहीं, ये एक ऐसी थेरेपी होती है जो आप कोई 15 से 20 मिनट हंसते हैं और हंसने से कहते हैं कि आपके जहन में से हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं। वाँ, वाँ, आपकी स्ट्रेस रिलीज हो जाती है, बीमारियों से बच जाते हैं और कितने फायदे होते हैं हंसने के। दो आपकी इस बात से मुझे एक बात याद आई, एक किस्सा याद आया छोटा सा। एक जोकर ने एक जोक सुनाया तो सब लोग बहुत हंसे, फिर उसने उसी जोक को दोबारा सुनाया तो कोई नहीं हंसा। तो उस जोकर ने बड़ी प्यारी बात कही कि जब तुम्हें खुशी को लेकर बार बार खुश नहीं हो सकते तो गम को लेकर बार बार क्यों रोते हो। हाय हाय वाह। तो हमारे जो हालात हैं उसमें हमें इंजॉय करना है। अब आप देखो हालात ऐसे हो गए, अगर आपके पीछे कुत्ता लग जाए ना तो कम से कम 1.5 किलो गोश्त खरीद के तो फिर जान छोड़ेगा। ये हालात है ना। अब हम भी कभी कभी शॉर्ट हो जाते हैं, कोशिश ये करें कि थोड़ा अंडर रहे, लाउड ना हो। हालात जैसे शॉक भी हो जाते हैं। अब आप देखो, मैं एक रेस्टोरेंट के कल की बात है, मैंने वेटर से कहा, मैंने कहा चिकन बिरयानी लिया, वो बिरयानी लिया उसमें चिकन ही नहीं। मैंने वेटर से कहा चिकन बिरयानी में चिकन कहाँ है, वो क्या कह रहा है गुलाब जामुन में गुलाब कहाँ होता है। ये बात है। अब आप चाहे मैरिड हो चाहे बैचलर हो, यू आर एंजॉय करें। बंदा कह रहा है डॉक्टर साहब मुझे कोई टेंशन नहीं, मुझे शुगर नहीं, मुझे हाई ब्लड प्रेशर नहीं। डॉक्टर कह रहे हैं मैं आपकी बीमारी समझ गया, बस आपकी जिंदगी में औरत की कमी है। और आपकी जिंदगी में गैरत की कमी हो जाएगा। बैंक मैनेजर मुझे कह रहा है हमारा बैंक आपको बिना इंटरेस्ट के लोन दे रहा है। मैंने कहा सर जब आपको देने में इंटरेस्ट ही नहीं है तो क्यों दे रहे हो।
यहाँ मेरे भाई सारे। अच्छा कुछ बच्चे फैमिलीज में ऐसे होते हैं, क्योंकि मैं खुद उन बच्चों में से एक हूँ, जो बिना वजह हर बात पे हंसते हैं। बहुत सारे मौके ऐसे होते हैं जब आपको हंसना नहीं चाहिए, बड़ों के सामने बैठ के सीरियस बात चल रही है और आपको हंसी आ रही है। अब सबसे मुश्किल चीज पता है कि अपनी हंसी को रोक के रखना किसी सीरियस सिचुएशन में, सबसे मुश्किल चीज है। और सीरियस है ना, और आप ये सोचें आपके साथ भी हो सकती है, किसी और के साथ भी हो सकती है। बिल्कुल। और आप ये सोचें कि हम सुबह सात सवेरा आपके लिए इतने हफ्तों से लेकर आ रहे हैं, और रोजाना बैठ के यहाँ कितनी बातों पे हम लोग अपनी हंसी कंट्रोल करते हैं कि ये हंसने का मौका नहीं है, मगर आज तो हंसने का मौका है, हंसने का टॉपिक है और हंसने का दिन है, आज तो हम खुल के हंसेंगे। और एक और बड़े मजे की बात कि आज हम बिला वजह भी हंस सकते हैं। बिला वजह आज तो हमारे पास हक है भाई। ये भी करते हैं, हम कोशिश करते हैं बिला वजह। दो बोले क्यों हंस रहे लोग यार। अच्छा यहाँ कोई ऐसी लड़की बैठी है जिसको जिसके लिए बहुत मुश्किल होता है अपनी हंसी दबाना, हंसी कंट्रोल करना। हंसी कंट्रोल करना, खुशी कोई लड़की कोई लड़का। अच्छा बहुतों के चेहरे ऐसे होते हैं, अच्छा एक दफा चेहरे भी ऐसे होते हैं बहुतों के, ऐसा लग रहा था कि हंस रहे हैं वो, जब हालांकि वो हंस नहीं रहे, हालांकि वो टेंशन में होते हैं, बिजली का बिल नहीं भरा होता है। अच्छा एक दफा हमारे वो भाई बैठे हैं मोहम्मद अली के बराबर में, और ये आप आप नहीं आप आप आपको यकीन नहीं आ रहा बैठे में, आप माइक ले, माइक लीजिए जरा, और उनके बराबर में वो बंदे बैठे हैं ब्लैक कॉर्ड वाले। हाँ आप मोहम्मद अली के बराबर में बैठे ताकि मोहम्मद अली को नजर ना लगे। जी जी आप कहेंगे आप क्या आप आप आपके चेहरा आप जब मुस्कुराने के लिए क्या करते हैं, आईना देखते हैं क्या करते हैं? अच्छा हमारा प्रोग्राम देखते हैं, माइक ऊपर रखे, माइक आपका चेहरा है ऐसा माशाल्लाह बड़ा हसमुख है। चेहरा है तो किसी ने कहा नहीं आपको कि हमारे यहाँ भाई कभी किसी ने कहा मोहल्ले में? मैंने मार्केट से मिल रहा था तो खरीद लिया, इसलिए मार्केट से नया मिल रहा था। अच्छा ये और क्या था? आप माशाल्लाह बैठे में लग ही नहीं रहा कोई बंदा बैठा हुआ, ऐसा लग रहा कोई बम रख के चला गया। ओह माय गॉड, बस क्या करें, शराफत है ये वाला बम है जब फुस हो जाता है। अच्छा अच्छा क्या कहेंगे हंसने के लिए क्या करते हैं उमूमन? हंसने के लिए क्या करते हैं? हाँ शीशे में देख लेते, शीशे में देख लेते। नहीं वो तो चलो ये तो हो गया, कुछ और क्या कोई और करता है? कुछ क्या करते हैं आप खुद, क्या करते हैं? किसी से गुदगुदियां मचवाते हैं क्या करते हैं? नहीं मुझे जरूरत नहीं होती मेरी। अच्छा जरूरत नहीं है, लोग ऐसी निकल जाती है। हाँ ऐसी निकल आती है। चले अच्छा आज हम लोग अच्छे लतीफे सुनेंगे अपने व्यूवर्स से। आप हमें कॉल करके कोई बेस्ट लतीफा सुना सकते हैं और आपको गिफ्ट हैम्पर्स भी मिलेंगे। इसके अलावा दो मिनट के फेसबुक और ट्विटर के फैन पेजेस लाइक कीजिए, वहाँ पे हमारे स्टेटस अपडेट पे कमेंट्स कीजिए, ढेर सारे अच्छे अच्छे लतीफे, आपके लतीफे ऑन स्क्रीन आपके टेलीविजन सेट्स पे हमारे साथ शामिल होंगे। ये बहुत अच्छा तरीका है हमारे शो में शिरकत करने का। अच्छा बरकत कुछ चेहरे ऐसे भी होते हैं जिनको आप किसी शोक पे लेके नहीं जाना, मतलब जाना चाहते या लेके जा ही नहीं सकते, क्योंकि उनका चेहरा हंसता हुआ होता है, वो शोक पे भी जाते हैं ऐसे करके। अच्छा यहाँ पे मुझे लगता है कि आज मैं बहुत सारी बातें खुल के शेयर कर सकती हूँ। शो जब शुरू हुआ था तो ये बड़ा कहा गया था कि दुआ हस्ती बहुत है, दुआ हस्ती बहुत जोर से है, दुआ हस्ती बहुत है, मैं क्या करूँ ये मेरी आदत है बरकत। और जब सात बरकत उसमें बैठे हो तो किसको हंसी ना आए। अरे अच्छा कॉलर हमारे साथ मौजूद है, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं, कौन बोल रही हैं, कहाँ से? गजल। गजल कहाँ से बात कर रही हैं? इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद से, कैसा है इस्लामाबाद? बहुत अच्छा है। शो कैसा लग रहा है, टॉपिक कैसा लग रहा है? इस्लामाबाद से बोल रही हूँ मैं। अच्छा शामिल। अच्छा पहले तो एक काम करें, अच्छा टीवी की आवाज़ आहिस्ता करें और अपनी आवाज़ बढ़ाएं। टीवी की आवाज़ आहिस्ता कर दें। कर दी, कर दी। वो बराबर वाले पड़ोसी की टीवी की आवाज़ नहीं, नहीं, नहीं तो पूरी पूरी मेरी आवाज़ आ रही है। इस तरह तो बात नहीं हो सकती। कॉल ड्रॉप हो गई है, थैंक यू सो मच। जब भी हमें कॉल करें तो अपनी टीवी की आवाज़ आहिस्ता कर दें ताकि मैं आपको सुन सकूं। मुझे आपको सुनना है, मुझे अपनी आवाज़ नहीं सुननी। अच्छा बहुत सारे वाक्य ऐसे जिंदगी में पेश आते हैं जब आप स्पेशली जब आप छोटे होते हैं तो या टीन एज में होते हैं तो ये होता है कि जब आप बड़ों के साथ बैठे होते हैं और सीरियस मौका चल रहा होता है, सीरियस बात चल रही होती है, आपको शदीद कोई हंसी आ रही होती है और आप हंसी कंट्रोल करके बैठते हैं। मैं अपना एक छोटा सा वाक्य यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि सारे घर के बड़े बैठे थे और कोई बड़ी सीरियस बात डिस्कशन चल रही थी और मुझे कोई शदीद हंसी आ गई, मैंने अपना मुंह छुपाया, नीचे देखे मैं जोर जोर से हंस रही थी और मेरी खानदान की कोई बड़ी बूढ़ी आई, उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा, बच्ची दुखी हो गई रो रही है और मैं और हंस रही थी और क्योंकि मेरा मुंह नहीं दिख रहा था, सिर्फ मेरा सर हिल रहा था, तो सब बड़े मुझे आके चुप करा रहे हैं और मुझे और हंसी आ रही है। सही ऐसी बात है कि ऐसा लगता है कभी आपको समझ में नहीं आता कि हंस रहा है या रो रहा है। हाँ। ऐसे होते हैं बहुत से लोग। हाँ। अच्छा हंसते हंसते कभी आंखों से आंसू निकले? हाँ आंसू भी निकल आते हैं, पेट में मरोड़ भी पड़ जाते हैं। हाँ। पसलियों में दर्द हो जाता है। आपके तो बहुत जल्दी होता होगा। नहीं नहीं आपके नहीं, आपके बराबर में जो बैठे भाई,
क्या कहेंगे क्या? जब गम की हंसी, जब गम की हंसी हंसते तब आंसू निकलते हैं। गम की हंसी हंसते, गम की हंसी उसी के आंसू निकलते ना जैसे। गम के भी आंसू होते हैं, गम के भी आंसू, गम की भी हंसी निकलती है। लेकिन एंजॉय करने के क्या, किस तरह से एंजॉय करते हैं लाइफ को? जैसे अब चिल्ली में टमाटरों की सालाना चौथी बरसी, बरसी करो चौथी जंग का इनका हुआ है कि वो बहुत सारे टमाटर रख दिए, आप उसमें खेले एक दूसरे को टमाटर मारे हैं। यहाँ पर तो टमाटर के रेट देख के बंदे के डॉलर से भी महंगा हुआ है टमाटर, हंसने के डॉलर से भी महंगा हुआ है टमाटर। और हंसने के लिए आप लोग क्या 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 करते हैं कुछ बताएंगे? कोई बताना चाहेगा हंसने के लिए कौन से ऐसे मौके होते हैं? और भी लोग बैठे हैं। अच्छा, यहाँ जो लड़कियां बैठी उनसे पूछती हूँ, अगर कोई कमिटेड है या किसी मतलब रिलेशनशिप में है, किसी की शादी हुई भी है यहाँ कोई खातून, उनसे पूछना चाहूंगी कि हंसना आपके रिश्ते में कितना फायदेमंद रहा, कि जब भी मियां गुस्से में हो तो आगे से हंस दो, है ना? बताइए, हाथ उठाइए, ऐसा भी होता है। यार सब कुंवारे लग रहे हैं मुझे। आंटी आप बैठी, एक बैठी नहीं उधर कोने, शादीशुदा है बताए। जब मियां गुस्से में हो तो हंसना चाहिए, मुस्कुराना चाहिए। दोबारा अगर वो गुस्से में हो, हम वो हंसेंगे तो उन्हें ज्यादा गुस्सा आएगा। हाँ। क्यों क्यों? क्योंकि वो मैं बात कर रहा हूँ, उन्हें डांटना हो तो ऊपर से हंस रही है। अच्छा नहीं, ऐसा भी होता है कि भाई कि जब मियाँ को गुस्सा आ जाए तो आगे से हंस दो। हाँ। और वो रिलैक्स हो जाते हैं और वो बोलते हैं पागल हो, क्यों हंस रही हो तुम, मैं तुम्हें डांट रहा हूँ, और वो खुद रिलैक्स हो जाते हैं। साथ एक कॉलर है, उनके जाने के बाद हंसो अकेले, अब तो चला गया, हंसो। अस्सलाम वालेकुम, कौन बोल रहा है कहाँ से? हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कौन बोल रही है? मैं फरीदा बात कर रही हूँ, आदुआ जी कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी सबसे पहली मरतबा कॉल लगी, मुझे यकीन नहीं आ रहा। हाँ। जी आप माशाल्लाह बहुत प्यारी है, मुझे आपको लतीफा सुनाना है। जी जी सुनाए सुनाए। एक लतीफा था जो एक टीचर था, मैं टीचर था जी, एक टीचर था। एक लड़के ने 12 केले रखे एक हाथी के सामने, तो हाथी ने 11 खाए, एक नहीं खाया, तो एक नहीं खाया क्योंकि वो नकली था। तो फिर कल को 12 केले रखे तो उसने एक भी नहीं खाया, वो कैसे? क्योंकि वो हाथी खुद हाथी नकली था। हाँ, हाँ, आगे आगे। या अल्लाह, बस मैं तेरी पनाह चाहता हूँ मालिक। मुझे गिफ्ट, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, शाबाश जी। उनको विश करना है जी, क्या विश करना है? आप मुझे गिफ्ट दे, मुझे उनको गिफ्ट देना है, बहुत दूर है वो। गिफ्ट दे दो मुझे, बहुत जोर से गिफ्ट, आपको प्लास्टिक का हाथी गिफ्ट करेंगे। चले ठीक है। नहीं, आप मुझे उनको गिफ्ट दे, मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ, हमेशा दुआ करती है आपको, तो मैंने कहा मैं उनकी तरफ से तुम्हें जरूर कहेगी गिफ्ट ला कर दूंगी। अच्छा, दिल से दिया हो जी, आपको भिजवाएंगे इंशाल्लाह, नंबर नोट करवा दीजिए। आपकी कॉल यहाँ से ड्रॉप होती है तो फिर आप पीछे प्रोडक्शन में अपना एड्रेस दे दी, आपको गिफ्ट पहुँच जाएगा, ठीक है? इंशाल्लाह, चले, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। इस तरह का लतीफा बड़ा मजा, क्या यार, यार ऐसी मोहब्बत, लोग कॉल करके मोहब्बत का इजहार करते हैं फिर गिफ्ट मांगते हैं। मैं कह रही हूँ लोग कॉल करके मोहब्बत का पहले पूरा इजहार कर देते हैं, फिर कहते हैं आप बहुत अच्छी है, मुझे यकीन है आप मुझे गिफ्ट जरूर देंगे। अच्छी बात। अच्छा, यहाँ से अगर कोई कोई किसी के दिमाग में कोई जोक आ रहा है जो आप सुनाएंगे, ये आपके बाल असली है? ये तेरे नाम वाले तो नहीं है? मेरे नाम वाले, मेरे नाम, देखिए मेरे तो असली है, वो लग भी रहे। अच्छा, क्या कहेंगे दोस्त? एक्चुअली हम दोनों वैसे तो प्यार है, कॉमेडी का। अच्छा, कॉमेडी का प्यार, कॉमेडी करते हैं आप? अच्छा अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। कुछ सुनाए ना, कुछ सुनाए, दोनों सुनाए, दूसरा माइक ले ले, कुछ सुनाए ना, या एक ही माइक में दोनों शेयर कर लें अगर डुएट करते हैं, कुछ सुनाए। अब जैसे जो कॉमेडी साथ करते हैं ना, तो आपका मोबाइल भी साथ में छीनेगा, अल्लाह ना करे, क्योंकि हमारा छीना है साथ में। सर मोबाइल में आते हैं आप? मोबाइल में आए तो अच्छा, मुझे लग रहा है जाएंगे भी मोबाइल में। हाँ, बाइक में मोबाइल लिखा हुआ ना। बैठे बैठे कर लें, कोई बात नहीं, खड़े क्या करें, खड़े हो जाए, बिठाया भी हमें, नहीं खड़े हो जाए, कोई बात नहीं, बस थोड़ा वहीं ताकि आपका फ्रेम, आप टीवी में आए ना, वरना से आवाज आएगी। अच्छा, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, मॉर्निंग। ये कहाँ बुला लिया मुझे? अबे पता नहीं कहाँ किस जगह बुला लिया यार। क्या बुला लिया? रास्ते से आ रहा था अभी। ओए रास्ते से आ रहा था। हाँ, क्या हो गया? तेरे भाई को कुत्ते लग गए। कुत्ते लग गए? हाँ, बहुत अच्छे कुत्ते के सामने कुत्ते। मेरा भाई डरने वाले नहीं कुत्ते से। डरने वाला नहीं मेला, तू यहीं रुक, यहीं मैं अपना कुत्ता लेके आता हूँ। हाँ चल चल।
और सुनाओ ठीक हो? अल्लाह का करम, ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पहचाना? तुम कौन? पहचाना ही नहीं। नहीं नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब पहचाना? अब कौन? अबे अभी तो सलाम किया। बहुत अच्छे, ब्रेक का टाइम हो गया। बहुत अच्छे, ब्रेक का टाइम हो गया। अभी बारी बारी, अभी थोड़ी थोड़ी देर बाद आपको बुलाएंगे। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। मुझे पहचाना? नहीं। अभी तो जवाब दिया है। ब्रेक का वक्त हो चला है। आज का टॉपिक है सिरसा सवेरा में हंसना जरूरी है। वापस आते हैं ब्रेक के बाद, कहीं मत जाइएगा सिरसा सवेरा में। मोहम्मद अली का गाना। ओ तुझे लगे ना नजरिया, क्यों ना उड़े तू चुनरिया। तुझे लगे ना नजरिया, ओढ़ ले चुनरिया। दिल की निगाहें मेरे दिल पे गिराए रे बिजुरिया बिजुरिया। तेरी चीनी गाहें मेरे दिल पे गिराए रे बिजुरिया बिजुरिया। शर्माना तो तेरा इतराना, जो भी देखे हो जाए वो दीवाना तेरा। सोने जैसा तन तेरा, उफ बोला पन तेरा, मुझको भी कर गया दीवाना तेरा। ओ सुन बाकी रे गुजरिया, ओ यही बोले है डगरिया। सुन बाकी रे गुजरिया, बोले ये डगरिया। लच के कमरिया ते जल के गगरिया, ते लुटी रे बदरिया। लच के कमरिया ते जल के गगरिया, ते लुटी रे बदरिया। माना तो तेरा इतराना, जो भी देखे हो जाए वो दीवाना तेरा। सोने के साधन तेरा, उफ़ बोला पन तेरा, मुझको भी कर गया दीवाना तेरा। ओ सुन बाकी रे गुजरिया, ओ यही बोले है डगरिया। ओ सुन बाकी रे गुजरिया, बोले ये डगरिया। लचके कमरिया ते जल के गगरिया, ते लुटी रे मदरिया। लचके कमरिया ते जल के गगरिया, ते लुटी रे मदरिया। लचके कमरिया ते जल के गगरिया, ते लुटी रे मदरिया। लचके कमरिया ते जल के गगरिया, ते लुटी रे मदरिया। लचके कमरिया ते जल के गगरिया, ते लुटी रे मदरिया। खुदा की कसम मोहम्मद अली, अल्लाह तुम्हें हिदायत दे, इतना अच्छा तुम्हें गाना गाया। खुदा की कसम मोहम्मद अली, इतना इंटेलिजेंट आदमी, आप मुश्किल से मुश्किल सवाल कर लो, इसे कंफ्यूज नहीं होगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। मोहम्मद अली, अरे बहुत अच्छा, बहुत एनर्जी है तुम्हारे अंदर। अल्लाह तुम्हें और तरक्की दे, तुम्हारे फन में तरक्की दे। आमीन सुमामीन। आज का टॉपिक है हंसना जरूरी है, तो क्यों ना पहले मेहमान एक ऐसे शख्स को बुला लूं यहाँ पे जो कि लोगों को हंसाते हैं, लाफ्टर थेरेपी कराते हैं और उनको उनकी परेशानियों से दूर करते हैं। 15 साल से पॉजिटिव थिंकर्स क्लब चला रहे हैं, यानी कि अच्छा सोचने के लिए एक क्लब चला रहे हैं, और इसके अलावा आर्ट ऑफ लिविंग से मुंसलिक तमाम कोर्सेज कर चुके हैं, आगे लोगों को भी सिखा रहे हैं। इनका ताल्लुक माइंड साइंसेस से है। मैं बुलाना चाहती हूँ महमूद मल्ली साहब को। कैसे हैं महमूद साहब जी? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सही। लोगों को तो हंसाते हैं, खुद हंसते हैं या नहीं? ओह, से काम जब आदमी जो काम में सेंटर होता है उसको पता है कि इसकी वैल्यू क्या। अच्छा, और एक मैं इसमें एक शेर कहूंगा। कहते हैं कि दीवाना हंसे या फिर जिसे तू तौफीक दे, वाह वाह, वरना इस दुनिया में आके मुस्कुराता कौन। वाह 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 वाह।
मुराद, ये खुदा ताला की तरफ से इतना बड़ा तोहफा है। क्या बात। और मुस्कुराहट, दुनिया का हर बंदा मुस्कुराहट मुस्कुराना भी चाहता है और वो कोशिश करता है किसी तरह मुस्कुराए। एक दफा एक डॉक्टर साहब से मेरी मुलाकात हुई जो कार्डिक सर्जन थे। उनसे मैंने पूछा, जब लोग आपके पास पेशेंट आता है तो आप सबसे पहले से सवाल क्या करते हैं? कहते मैं सबसे पहले से ये सवाल करता हूँ कि बताओ तुम्हें खिलखिलाए हुए हंसे हुए कितना अरसा हो गया। और आगे से 99% ये जवाब आता है शायद मुझे याद नहीं। क्या बात, लोग हंसना ही भूल गए। महमूद साहब, ये कितना जरूरी है आजकल के जमाने में कि आजकल इतनी टेंशन है, स्ट्रेस है हमारी सोसाइटी में, हमारे मुआशरे में एक परेशानी, एक दबाव है, और हंसने का लोग मौका भी ढूंढते हैं, तो शायद मुझे लगता है कि अब लोगों को हंसी नहीं आती, हंसना चाहते भी हैं तो वो खुल के हंसी नहीं आती। ये क्या वजह है? और ये लाफ्टर थेरेपी जो है, जो आप लोगों में ये आगे बढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं, खुद भी कर रहे हैं, मुझे बताएं, लोगों को ये बताएं, क्योंकि लोगों में अभी तक इतनी अवेयरनेस नहीं है इस बारे में। मुझे लगता है जरा बताएं हमारे व्यूवर्स को कि लाफ्टर थेरेपी है क्या है। लाफ्टर थेरेपी एक ऐसी थेरेपी है कि जो आदमी को टेंशन से निकाल के और पास से निकाल के प्रेजेंट में लाती है। दुनिया के खुशनसीब तरीन लोग वो होते हैं जो प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं, और ये रहना बहुत आसान भी है और बहुत मुश्किल भी है। और कोशिश आदमी करता है कि किसी तरीके से, मैं जब आदमी को काम करता है या कारोबार करता है, कोई चीज कमाता है, लेकिन अल्टीमेटली गोल ये होता है कि मैं किसी तरह खुशी हासिल करूँ। और खुशी हासिल करने के और बहुत से जरिए हैं, लेकिन खुदा ताला ने हर चीज इंसान के अपने अंदर डाल दी। जब तक वो अंदर से खुश नहीं होगा, बाहर उसे बहुत कम ऐसे मौके मिलते हैं कि वो खुश हो, लेकिन वो बहुत लिमिटेड होते हैं। और खुदा ताला ने आंख देखने के लिए बनाई है, कान सुनने के लिए बनाए हैं, नाक सांस लेने के लिए बनाया है, और होंठ जो है ना मुस्कुराने के। तो सर, हंसने का ये तरीका भी बताएं ना थोड़ा सा कि क्या क्या आपके पास क्या तरीके होते हैं गुदगुदियां मचाते हैं हंसने के लिए। अच्छा, हंसने के लिए आपके पास पेशेंट्स कौन आते हैं ये बताएं। चले मैं इनसे सवाल करती हूँ, आपके पास पेशेंट्स कौन आते हैं, परेशानियां लेकर आते हैं, डिप्रेशन एंजाइटी लेकर आते हैं? ज्यादातर, क्योंकि जैसे आपने पहले बताया कि डिप्रेशन वाले होते हैं, और जो जैसे बीबी ने भी बताया कि जो मेरा शौहर जो है ना बड़े गुस्से में रहता है, जब आता है तो फिर मैं, तो आपने फरमाया, मैं उनको बताता हूँ, जब तेरा शौहर गुस्से में ना तो कुछ नहीं करना। आपका शौहर था? नहीं, ये मतलब जो क्लाइंट जो हमारी आती है, जो भी आता है जिसको बताना होता है, सिर्फ गुस्से में आए तो आपने सिर्फ मुस्कुराना है, जवाब नहीं देना आगे से। किसी का भी शौहर गुस्से में आए तो आप मुस्कुरा दें, आप और हट गए, तुम तो मेरी बात मुस्कुरा रही हो, जैसा भी लगा। नहीं, हटेगी नहीं, वो थोड़ी देर के लिए उस माइंड ऑफ स्टेट में रहेगा, क्योंकि ये जो गुस्सा और जो भी आप आते हैं, स्टेट ऑफ द माइंड होती है। अच्छा, जैसे आप, जैसे मैं महमूद मलिक को थोड़ी देर पहले मैं हंस रहा था, फिर रो रहा था, फिर मैं गुस्से में आया, फिर मैं किसी को, ये स्टेट ऑफ द माइंड है, और एक स्टेट ऑफ द माइंड में आदमी इंसान रह नहीं सकता, बहुत शॉर्ट पीरियड होता है, और उस पीरियड को आपने गुजारना होता है। अच्छा, और जब वो पीरियड निकल जाता है, फिर उसे याद भी नहीं रहता है क्या बात थी क्या नहीं। जैसे मतलब मैं कारोबार करता हूँ, मेरा काम है पब्लिक डीलिंग, और मुझे 18 साल हो गए, और आज तक कभी भी मेरी किसी एक आदमी से भी लड़ाई नहीं। वाह। उसकी वजह यही है कि मुझे पता है इसकी स्टेट ऑफ द माइंड ये है, इस वक्त तो मैं किसी तरह इसके 2-3-4 मिनट गुजार दूं तो इस स्टेट ऑफ द माइंड से निकल जाए। वाह वाह। तो अब हंसाते किस तरह? अच्छा, बिल्कुल आप सही कह पहले खुद हंसने बात। देखिए, जो हंसाने के बहुत सारे तरीके भी हैं, जब आपके पास आता है तो आप उसे कोई अच्छी बात या कोई लतीफा है, जो, क्योंकि हर वक्त मेरे कोई ना कोई जोक तैयार हो। अच्छा, और उससे मैं पूछता हूँ कि तू बोल पहले कि उस तेरे को क्या प्रॉब्लम है, उसी में से फिर जोक निकालते हैं, जैसे आप बात से बात निकलती है, और उसी से पूछते हैं हाँ भाई क्या प्रॉब्लम है, किस तरीके से हल करना है, और इतना आसान होता है कि जिसकी मुश्किलें हैं, जिसने उस चीज को पहाड़ बनाया होता, कुछ भी नहीं होता अंदर। कुछ लोग बिला वजह में पत्थर जैसे मुंह बना के बैठे होते, ऐसे सीमेंट के बने हुए होते हो जाता है, ये पता नहीं क्या वजह क्या है इसकी, और सीमेंट भी हंसना नहीं चाहते, या वो इतने इनके गम होते हैं उनको हावी हो जाते हैं, नहीं, नहीं, मेरा दुख है मेरा। बहुत कोशिश कर लिया, क्योंकि आप अगर आप ये बात कर रहे ना कि जैसे हमारा काम है, तो बाकी हम जैसे अगर स्टेज पे कहीं परफॉर्म कर रहे होते हैं ना, उसमें 3-4 लोग ऐसे होते हैं जो बाकी सब हंस रहे हैं, अगर फर्ज करें तो वो यूं देख रहे होते हैं, आप कुछ भी कर लें पूरी कॉमेडी खत्म हो जाएगी, वो नहीं हंसेंगे, और नेक्स्ट टाइम बोलेंगे आना पैसा ज्यादा दूंगा। हाँ, मैं तो ये क्यों करवा, ऐसा क्यों नहीं कर, और बुलाते भी हैं फिर। सर, देखिए, मुस्कुराना एक ऐसी चीज है जिसके लिए किसी वजह की जरूरत नहीं होती, जैसे आपने अभी बात कर रहे थे, किसी वजह की जरूरत नहीं है, रोने के लिए किसी वजह की जरूरत होती है। हाँ, अच्छा, मुस्कुराने के लिए कोई वजह नहीं चाहिए, सिर्फ आपने मुस्कुराने के लिए एक काम करना है, बस। और फिर क्या होता है कि हमारा माइंड जो है ना, ये पिक्चर की जबान समझता है, ये रियल और उसमें नहीं समझता है, जब ये मैसेज उसको जाता है तो फिर हमारा माइंड जो है ये एक केमिकल फैक्ट्री, फिर ये केमिकल रिलीज करता है जो आपके बॉडी में आते हैं, और फिर आप खुद ही खिलखिलाना शुरू कर देते। जैसे ये बात कर रही थी, हमारे एक टीचर बाहर से आए और 30-40 आदमी सामने बैठे हुए थे, उन्होंने हमको सीट पर बिठा दिया और कहा कि जो भी कहें आपको
आपने जवाब नहीं देना, सिर्फ मुस्कुराना और मुस्कुरा के जवाब देना। और ये एक ऐसी टेक्निक थी जो मेरे ख्याल में मेरी जिंदगी उसे चेंज कर दी। और मैं भी चाहूंगा कि कोई भी आपकी तरफ कोई भी तनकीद करे, आपने सिर्फ मुस्कुराना है, जवाब नहीं देना, उस लम्हे को निकाल। आपके खालू मर गए तो लेकिन सर ये हंसना कैसा होगा? एक आदमी के 3 महीने से लाइट नहीं है, उसका बिजली का बिल आ गया 11,000 का, तो वो कैसे हंसेगा? मुझे बताइए, वो बताइए, ये बताए ना। क्या चले आप बताएं, आप हंसा दें इस बात। देखिए, अगर 11,000 का बिल आ गया 3 महीने से लाइट नहीं है। लेकिन मतलब बस में चढ़ा, चढ़ते ही मेरे जेब से 18,000 रुपए चोरी हो गए। सर ये तो आदमी के लिए पागल है। देखिए क्या होता है, सबसे पहले एक्सेप्ट दिस सिचुएशन एज दे आर। अच्छा, आप उस सिचुएशन को जो है ना आप एक्सेप्ट कर ले, हाँ है, हो गया मेरे साथ, हो गया मेरे साथ, हो गया, जेब कट गई, जेब कट गई, अब कुछ हो नहीं सकता। अब क्या करें, अब उस प्रेजेंट मोमेंट में आए, अब उसके बाद क्या करना है, जो हो गया तो हो गया, अब वो वापस नहीं हो सकता। मुझे भी जेब काटनी किसी की, वो पास। अच्छा, साइकोलॉजी में ये भी कहा जाता है डॉक्टर साहब के आप जब अपने इमोशंस बहुत ज्यादा दबाते हैं अपने अंदर, ये हंसना क्या दबाना नहीं है अपने इमोशंस को? दबाते हैं तो और ज्यादा डिप्रेशन में जाते हैं। असल में लोग ऐसे ही है कि अपने जो इंप्रेशन होते हैं ना, इसको बोलते हैं आर्ट, जो आपका अंदर है ना, उसको आप कोशिश करें रिलीज करने की। अब हम क्या करते हैं, हम अपने जाते हैं अपने तालीमी इदारों की तरफ, जो वो ABCD अलिफ बे ते दूसरी चीजें जो समझाते हैं, लेकिन वो ये नहीं समझाते कि जिंदगी कैसे गुजारनी। हाँ, बिल्कुल, क्या जिंदगी भी तो गुजारनी है, जिंदगी तो क्या इस दुनिया में हम टेंशन के लिए आए? क्या हम सिर्फ, लेकिन ये तो सर दुनिया में टेंशन के लिए आए ये तो नहीं पता, लेकिन इस मुल्क में टेंशन के लिए आए ये पता है। नहीं, ये मैं आपको बताता हूँ, आदमी जहाँ भी रहता है ना, वो हर जगह अपने आप, देखिए किसी मुल्क का दिखा रहे थे वहां पर एहतजाज रिकॉर्ड हो रहा है, तो वहां पर जो एहतजाज रिकॉर्ड कराने की जगह, उसके सामने कॉन्सर्ट पूरा हुआ है, उसमें म्यूजिक भी हो रहा है, उसमें कॉमेडी भी हो रही है, और यहाँ पर किस तरह एहतजाज रिकॉर्ड होता है? ATM मशीन निकाल ली, रेलवे ट्रैक उखाड़ दिए, गन्ने की मशीन उठा के ATM मशीन की जगह फिट कर दी, ATM की मशीन, सिग्नल उखाड़ दिए, गरीब की बाइक जला दी। तो सर ये कैसे, ये नेगेटिविटी नहीं है सर? नेगेटिविटी है, ये नेगेटिविटी भी है, और दूसरा ये तालीम की कमी, तालीम की कमी है। अच्छा, मैंने ना आपके थेरेपी जब होते हुए खुद देखी, तो मैंने ये देखा, यहाँ पे मुझे नहीं पता कैसे होती है, मगर बाहर मुल्क में ऐसे होती है कि सिर्फ एक जो टीचर होता है, जो सिखा रहा होता है, वो बहुत जोर जोर से हंस रहा होता है, और उसको देख के खुद ही हंसी आना शुरू हो जाती है, पर सब एक दूसरे को हंसते हुए देख के हंस रहे होते हैं, ऐसा होता है? बिल्कुल ऐसा ही है। उसकी वजह है कि जब आप किसी को हंसता हुआ देखते हैं ना, तो फिर ये सारे जो ये इनडायरेक्ट हिप्नोसिस होता है, फिर आप भी हंसना शुरू हो जाते हैं। इसकी मिसाल ऐसी है कि जब आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो और ये सिग्नल आ जाए, तो जब आप सिग्नल पे खड़े होते हैं तो जरूर आप अपने आस पड़ोस की तरफ देखते हैं। अच्छा, जब आस पड़ोस की तरफ देखते हैं, तो अगर आप सिर्फ स्माइल दे के और साथ वाले को देखेंगे ना, तो बिल्कुल इसी तरह वो आपको रिप्लाई करे, या स्माइल को फोन कर लेगा, गाड़ी टाइम पे भेजना। एक हंसी आपने मुस्कुराहट देनी है, किसी लड़की को तो बुरा मान जाती है सर। कहते ना हंसी तो फंसी, कहते ना, और फिल्म भी आ रही है हंसी तो फंसी। देखिए, उसमें इतना टाइम नहीं होता, उसको आप जानते नहीं। मैं कुछ और कहना चाहूंगा, अरे सर मैं भी वही, सर हमारा ध्यान वहीं जाता है, पता नहीं क्या चक्कर है। सर कहते हैं हमेशा हंसा करो, क्योंकि ये दुनिया की सबसे सस्ती दवाई है। कोई शक नहीं, एक लाइन है सर, यस, दुनिया की सबसे सस्ती दवाई, इससे अच्छी दवाई। अच्छा, मैं जब डॉक्टर साहब से बोला, जो मैं बात रह गई थी, जो कार्डिक सर्जन थे, उन्होंने कहा कि जब आप खिलखिला के हंसते हैं तो आपका माइंड एक केमिकल रिलीज करता है, जिसका नाम है एंडोफिन, और इस जैसी दवाई, ये तरियाक या दिल की बीमारी के लिए, इससे अच्छी दवाई इंसान नहीं बना सकता, जो माइंड आपका रिलीज करता है। हाँ। सिर्फ मुस्कुराने से, मुस्कुराने से। अभी यार जाता क्या है भाई, हंसो यार, हंसो। हंसो। एक सेकेंड, 2 मिनट की थेरेपी करके देखते हैं। हाँ। ठीक है, शुरू करते हैं। हाँ, शुरू करते हैं। अच्छा, ऑडियंस के साथ, सारे ऑडियंस के साथ, ऑडियंस के साथ, टेंशन देनी है, ऑडियंस का काय के लिए आई थी, सब एक साथ हंसेंगे। अच्छा, चल रहे, ठीक है, किस तरह शुरू करना है, बस आपको देखते रहे, ठीक है। अच्छा, मुझे भी देखना है, और दूसरा क्या है कि एक तरीका जो मैं आपको बताता हूँ, और इतना आसान और इतना अच्छा और इतना इफेक्टिव कि अगर आप ये करें, और अभी हमारे पास टाइम भी है, जो मैं आपको टाइम देता हूँ, कि आपने देखना सामने है, देखना और देखने में, और आपने एक अपने मन में भी जाना है, उसमें साथ देखना आपने सामने है, लेकिन आपने अपने मन में भी जाके देखना है, और मतलब इसमें क्या है, आप देखें सामने, और एक नजर जो है ना आपने अपने मन के अंदर भी रखनी है, ठीक है। अच्छा। क्या मैं बात अपनी बता सका आपको, कि जैसे मैं इनको देख रहा हूँ, देख तो मैं इनको रहा हूँ, लेकिन मैंने अपने बारे में, अपने दिल के बारे में सोचना है, अपनी एक नजर अपने मन में भी रखी हुई है, जैसे एक दूसरी नजर आप समझ लें कि आपने ये जो हड्डी है ना, और ये नाक इसके दरमियान जो आपका बॉडी है,
उस पे आपने नजर रखनी है। देख मैं आपको रहूँ लेकिन मेरा ध्यान वहाँ पर है। अच्छा, ये हम एक दो मिनट के लिए कर रहे हैं, ठीक है? एक मिनट में दोबारा समझाना चाहता हूँ, क्या आप मेरी बात समझ गए? ध्यान जो है ना, ध्यान आपका देख सकूँ, ध्यान आपका कहाँ पे होगा? मन के अंदर, और नजर आपकी सामने, बस इधर इधर चलें जी। अच्छा एक मिनट, अब आप क्या करेंगे, क्योंकि आप सामने देख रहे हैं और ध्यान आपका मन में है, तो आप प्रेजेंट मोमेंट में आ जाएंगे। अच्छा। और जब आप प्रेजेंट मोमेंट में आएंगे ना, तो आप हर चीज को एंजॉय करेंगे। अच्छा, आप खाना भी खाएंगे तो उसको एंजॉय करेंगे, आप बात भी करेंगे इसको एंजॉय करेंगे, और आप जब कुछ पिएंगे भी तो आप इसको एंजॉय, तो आप प्रेजेंट मोमेंट में आ गए। जो हमारा माइंड है ना, दुनिया में सिर्फ दो गेम है, एक माइंड गेम और दूसरा एनर्जी गेम। ये माइंड अगर आपको इसको इस्तेमाल करना नहीं आता, तो ये आपको आपको ये आपकी जिंदगी इम्पेसिबल कर देगा। ये इतना तेज है, आपको हमेशा पास्ट में रखेगा या आपको फ्यूचर में रखेगा। और यही टेंशन की वजह, क्योंकि पास तो गुजर गया, जो होना था वो तो हो गया, पास इज हिस्ट्री। मुझे तो ऐसा लग रहा है मुझे टेंशन जो होना था वो तो हो गया, अब तो कुछ नहीं हो सकता, और फ्यूचर के हाथ में नहीं। फ्यूचर आज का सोचने, फ्यूचर का सोचो, प्रेजेंट जो आप इस वक्त कुरान में है, ये शायद दोबारा ये सजेगा आपको आएंगे जिनसे मैं बात कर। ठीक है, ठीक रेडी है आप लोग? चले क्या करेंगे, आप भी सामने और ध्यान अपने मन में रख, और ये सिर्फ 10 सेकंड के लिए, 15 सेकंड के लिए आपका, सिर्फ शुरू में यही होगा और पास काफी टाइम है, तो आप देखेंगे जब को सिर्फ एक मिनट में लाते हैं, सिर्फ एक मिनट में आपकी चीज चेंज हो जाती है, कुछ का अंदाज, आपका बात करने का अंदाज, बात करते हैं तो ठीक है जबान भी आती है, लेकिन लफ्ज जो है ना उसकी तरफ से आते, ऊपर से आते, ध्यान वहीं पे रखना, और जब वहां से आप बोलते तो बात करने का जो सामने बैठा जिससे आप बात उसकी कुछ बता दो। लाइफ तो गुजारनी, चाहे वो टेंस करके गुजारे, चाहे हंस के गुजारे, चाहे जिस तरीके से गुजारे, टाइम तो आपने गुजारा, क्यों ना हम उसे हंस के गुजारे यार, क्यों ना हम उसको खुश से गुजारे। एक बात मैं आपको बताता हूँ, तेजी से नेमत के तौर पे, आज अलग वजह से मेरी शादी को 26 साल हो, अरे माशाल्लाह, और आज तक कभी भी मेरी मैं अपने बेगम से लड़ाई नहीं, मतलब आज तक कभी आप अपनी बीवी से मिले नहीं? अबे 5 बच्चे हैं। अच्छा, मतलब हम इस दुनिया में ब्रेक 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 का मतलब चला रहे, छोटी सी ब्रेक लेते हैं, कई मजा आएगा, सुबह 7 सवेरे में वापस आके हमें करनी है लाफ्टर थेरेपी। सवेरा में हंसना बहुत जरूरी है, इसलिए हमारे साथ मौजूद हैं आज महमूद मल्ली साहब, जो लाफ्टर थेरेपी कराते हैं, सारे लोगों को हंसाते हैं और उनको परेशानियों से दूर भगाते हैं। तो शुरू करते हैं थेरेपी, शुरू करें, आप हंसाना शुरू करें बस। अच्छा देखिए, तरीका तो मैंने आपको बता दिया, शायद आप समझ गए होंगे, ठीक है, और ध्यान आपने उधर रखना है और सामने देखना है और साथ, अच्छा सामने कहीं भी देखें, सामने जो भी सामने बैठे, कोई भी सामने देखे, आप ये प्रैक्टिस आप चलते हुए भी, बैठते हुए भी, आप हर जगह एक प्रैक्टिस कर सकते हैं। शुरू करें और साथ आपने बस शुरू करते हैं, ठीक है? जब आप ये करेंगे तो खुद ब खुद ही आपके पास जो है ना ये हंसी आना शुरू होगी, और आप सर कब होगी सर, अभी शुरू करते हैं बस, शुरू आप पहले यू तो करें। असल में अच्छा, जब भी आप हंसे ना, तो कोशिश करें कि आप, फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि हंसी यहाँ से आने चाहिए, और अगर सिर्फ चेहरे से भी करेंगे तो आप चेहरा बना लेते हैं, तो फिर ये नीचे से भी आपको जो है ना हंसी अंदर से आती है। चलिए सर शुरू करते हैं, अब ऑडियंस में से कोई नहीं बोलेगा, तो अच्छा हमें यार तुम बहुत हंसाते हो यार। सर पैसे इसी चीज से मिलते हैं? नहीं बोलना नहीं है। अरे पहले हंसने दो, अभी एक बंदे से भी काम हो रहा था, अभी ऐसी बात हंसी आ गई तो मुझे कहते हैं यार हंस रहे हो, अबे मैंने कहा यार काम तो होता नहीं है, पहले हंसने दो दे यार। <laughs> 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 <laughs>
और आप हंस रहे हैं, आपको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने किताब में मोर का पर दबा के रख दिया। क्या बात है, क्या बात है सर, बहुत अच्छा मजा आया। पता अच्छा एक दफा मैं बता रहा हूँ, हम गए तुर्की अपने दोस्तों के साथ, तो हम ट्रेन में जा रहे थे तो बातें भी कर रहे थे और साथ गतिशील भी हो रहे थे, हंस भी रहे थे, तो एक औरत जो है ना हमारे पास आई। अच्छा एक ही आई थी? एक ही काफी थी, चार पांच आती है हमेशा, कहती है एक ही काफी थी भाई। तो भाई यू लाफ, अभी मैंने क्या हो गया, हम तो हंस रहे थे, अभी मैंने कहा क्या हो गया यार, भाई यू लाफ, हमने कहा पता नहीं शायद ऐसे ही इधर होता होगा, लोग बुरा मनाते होंगे, हंसे हम चुप हो गए। हमने कहा चलो ठीक है, वो उनका स्टेशन आया, वो उतर गई, फिर हमने बातें करना शुरू कर दी और हंसना शुरू कर दिया, फिर एक आदमी आया, व्हाई यू लाफ। अच्छा अबे क्या हो गया, अबे हंसना भी मना है क्या? हाँ। भाई तुम नहीं हंस सकते तो दूसरे को तो हंसने दो। वाह अच्छी बात सर, ये जो आपका क्लब है तो इसमें डांस वांस का भी प्रोग्राम होता है? मतलब असल में आप जो बात कर रहे हैं डांस, ये भी एक सर ये जरूरी है, यस बंदा एंजॉय करे, डांस करे, हंसे, एंजॉय करे, है ना। मैं जगह बस प्रॉपर नहीं, जगह भी बता रहा हूँ, जगह जहाँ पे भी हो आप एंजॉय कर सकते हैं, जैसे घर पे पैर स्लिप हो जाता है टाइल्स में, वो ना हो। दूसरे मेहमान को दावत देते हैं, 1990s से इन्होंने अपना करियर का आगाज किया और आज बड़ी अदाकारा है हमारी इंडस्ट्री में, बड़ी प्रोमिनेंट फिगर है एक, और टीवी ड्रामाज सीरियल्स इन लोगों ने इन्होंने किए। सॉरी मैं बुलाना चाहती हूँ गजाला जावेद को। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? कहाँ बेटा? गजाला तुम अपना सोफा लेकर आया करो। मैं अपना सोफा हर वक्त साथ जुड़ा हुआ है, आप लोगों को जरूरत नहीं है लाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद एक सोफा हूँ। कहाँ बैठेंगे? आपके लिए पानी की टंकी मंगवाई मैंने, उसमें तुम डूब मरो। आपा माशाल्लाह इतनी अच्छी, अल्लाह एक दफा अपने आपा अपने घर की सातवीं मंजिल से नीचे गिरी और टिप्पा करके वापस ऊपर चली गई। वापिस किधर फिर वो? नहीं तो ये नहीं, इसने बताया कि ये इससे पहले जब मैं सातवीं मंजिल से गिरी थी तो नीचे ये था और उसको ये यूं था, उससे उसके बाद से इसकी शक्ल ये हो गई, वो टप्पा यही था। कार्टून में दिखा दे स्टिकर बन जाता है आपा, यकीन करें जब भी मैं आपको, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप हमारी बहुत अच्छी दोस्त हैं और जब भी मिलते हैं बड़ी मोहब्बत से, जब भी मैं आपको देखता हूं आप यकीन करें ऐसा लगता है मैं बहुत सारी खवातीन को देख रहा हूँ। उसके बावजूद तुम्हारा दिल नहीं बढ़ता, इतनी सारी खवातीन देखने के बावजूद तुम उधर क्यों देखते हो फिर? ये बताओ तुम। अच्छा तुम कितने? अच्छा गजाला ये बताओ, बहुत खूबसूरत इसका राज क्या है? इसका राज क्या है? राज टू क्या? थ्री क्या है? खुश रहना, खुश रहना। पता नहीं क्या क्या आप क्या क्या धीमे से क्या कह गए, मैंने सुना सुना, मैंने बताया ना इसका राज क्या। हमेशा खुश होती है, हंसना बहुत जरूरी है, हंसना बहुत जरूरी है, हंसने से खिलखिलाने से खूबसूरत भी नजर आते हैं। मुस्कुराती चीज तो हमेशा हर किसी को अच्छी लगती है। सर आपके बोलने का अंदाज ऐसा जैसे कोई गाड़ी पेट्रोल से सीएनजी पे शिफ्ट हो गई। हंसना कितना जरूरी है जिंदगी में? ये तो जाहिर है हंसना तो, और मैं कहती हूँ हंसना जो है ना वो जरूरी है या नहीं है, हंसाना बहुत जरूरी है, हंसाना बहुत जरूरी। देखिए हंसना तो ये कि जब इंसान किसी को हंसाता है तो मेरा ख्याल है उसकी काफी तकलीफें काफी परेशानियां चाहे चंद मिनट के लिए दूर होती हैं लेकिन दूर जरूर होती हैं, और ये एक बहुत बड़ा सदका जारी है जो लोग हंसाते हैं उज्मी और हमारे क्या नाम लेते हैं बरकत जो है ये काम बड़ा खुश अस्लूबी से अंजाम दे रहे हैं माशाल्लाह मुल्क में माशाल्लाह। आप इस चैनल पे अभी इस वक्त की बात बता रही हूँ तो हंसाना मेरा ख्याल है कि आप ये देखें कि कॉमेडी जो है
बहुत चंद आर्टिस्ट होंगे, उंगलियों पे आप दो तीन लोग चार पांच लोग इस तरह गिन सकते हैं कि हर मुल्क में कोई बहुत ज्यादा ऐसे लोग नहीं है कि जो आपको हंसा सकते हो। तो इसलिए इससे ये साबित होता है कि हंसाना जो है वो दुनिया का सबसे मुश्किल काम है जी। कि आप किसी को हंसा दें, और अगर आप हंसा सकते हैं तो मेरा ख्याल है ये आपका एक सदका जा रही है कि आप किसी के दुख दूर करें या किसी की परेशानियां दूर करें। और चाहे कुछ भी कितनी भी तकलीफ में इंसान होता है, जब वो हंसा देता है ना किसी को, वो तो थोड़ी देर के लिए गमों से उन तकलीफों से दूर हो जाता है, चाहे वो चंद मिनट हो चाहे चंद घड़ियां जो भी हो जी। तो मेरा ख्याल है कि हंसाना और हंसते रहना जो है बहुत जरूरी है, और जिंदगी में हंसना हंसाना बहुत जरूरी है कि वो सेहत के लिए भी अच्छा है, हर चीज के लिए अच्छा। हाँ, और मुझे लगता है कि आप प्यारे भी लगते हैं जब आप हंस रहे होते हैं, जब आप मुंह बना के बैठे होते हैं तो आप अजीब से लग रहे होते हैं, है ना। हाँ, ये बात मतलब एक सीरियस बात है कि दुख अपने होते हैं सिर्फ पर्सनल। अगर आप ज्यादा रोते रहेंगे ना तो आपके घर वाले इवन आपके पेरेंट्स फेड अप हो जाते हैं। हाँ। आपके बहन भाई फेड अप हो जाते हैं कि आपको दुनिया में कोई भी ज्यादा दिन तक रोते हुए और ऐसे मुंह बसूरते हुए जिसको कहते हैं नहीं बर्दाश्त होते, लेकिन हंसते हुए ऐसी चीज है कि हर वक्त जहाँ कह के होते हैं वहाँ लोग खुद ब खुद चले आते हैं। अच्छा, मुझे लगता है कि कामयाब होने के लिए अपनी प्रोफेशनल जिंदगी में भी और अपनी पर्सनल जैसे लाइफ में भी मियां के साथ या इस तरह आपको हंसना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो आपको आगे वाला कुछ नहीं कह सकता फिर, है ना। स्पेशली एक बात है कि जब हस्बैंड जो है बाहर से काम से आता है थका हुआ सारा दिन बाहर के प्रॉब्लम्स सॉल्व करके, तो जब घर में आता है तो उसकी मिसेज या उसके बच्चे जो है वो हंस के उसको वेलकम करे, उसकी थकावट दूर हो जाए। लेकिन यहाँ उल्टा सीन होता है ना, डेढ़ पाव तेल डाला हुआ है, सर में पट्टी बांधी हुई है, काफी फैशन कम हो गया शुगर। डॉक्टर अमिलिया का साहब ने बड़ी अच्छी बात की थी, अल्लाह उनको जिंदगी दे, उन्होंने कहा कि जिसको मुस्कुराना नहीं आता वो कारोबार ना करे। यस यस, मैं इस तरफ आ रहा हूँ। चीनी कहावत है, अगर वो कहते हैं कि अगर आपको मुस्कुराना नहीं आता तो आपको सेलमैन या कारोबार नहीं करना चाहिए। वाह वाह, जिसके लिए मुस्कुराना बहुत जरूरी है। और आप जो भी बात करें दो तरीके से, हंसने के बाद जो दर्द शुरू हो जाता है अकड़ियों में, इसका कोई इलाज है? मेरी बात ही बोलता है यार मैं क्यों इतना हंसा यार। ऐसा भी होता है वो हिचकियां बन जाती हैं, उसको कंट्रोल करना और आंसू बहना शुरू हो जाते हैं बहुत से लोगों के, ये भी होता है? जी हाँ, जो आंसू बहना होता है ना, देखिए माइंड की हमारी एक फ्रीक्वेंसी होती है। अच्छा, वो फ्रीक्वेंसी जो दुनिया के खुशनसीब तरीन लोग होते हैं ना, वो हमेशा अल्फा स्टेट ऑफ द माइंड में रहते हैं। क्या क्या अल्फा? अल्फा स्टेट, अल्फा ब्रावो चार्ली, अल्फा ब्रावो चार्ली नहीं, अल्फा स्टेट ऑफ द माइंड। ओके ओके ओके, आई अंडरस्टैंड। इसमें 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 आदमी हमेशा खुश रहता है और प्रेजेंट मोमेंट में रहता है। ओके, लेकिन कैसे करेंगे ये, कैसे? मैं आपको, आप जरा उस वक्त मौजूद नहीं, मैं आपको बताता हूँ, फिर दोबारा मैं बताना चाहता हूँ अपने ऑडियंस को कि देखिए जैसे मैंने आपको कहा था कि आपने देखना सामने है और आपने ध्यान अपने मन में रखना है, आप देखें सामने, अलग अलग बात है, लेकिन आपने जो दूसरा ध्यान कहीं नहीं, उधर सामने देख ले, हमें देख कैमरे को देख, अभी तो आपको देख कैसे आ रही है मुझे। अच्छा, मीठी छुरी एक मुहावरा है, मसाला भी वो इसलिए ये तो नहीं है कहीं पीछे हो गए बैठ हो गए। मीठी छुरी लड़कियां बड़ा यूज करती हैं आपस में एक दूसरे के लिए कि तुम तो मीठी छुरी हो, हंस के अपनी सारी बातें बनवा लेती हो, छुरी भी होती है लड़कियां, मीठी छुरी होती नहीं है और मुंह पे एक तरख्तगी रखती हैं, उनकी बात कोई नहीं सुनता, उनके बस तो मीठी छुरी नहीं होती। हाँ, और कुछ लड़कियां मीठी छुरी होती है, वो हंसते हंसते अपने सारे काम निकलवा रही होती है। बिल्कुल सही कह रही है, मैं इनकी बात साइड करता हूं। फायदा है देखो, इसको कहते हैं पावर ऑफ वर्ड्स, पावर ऑफ वर्ड्स कि आप किस तरह अदा करते हैं। ठीक है, ठीक है, अल्फाज तो वही होते हैं और वो लड़की भी वही होती है, दूसरी भी वही होती है, उसमें फर्क तो क्या होता है, लड़का चेंज होता रहता है, लड़की वही होती है। ये देख लो, सॉरी मैं गलत बोल गया, लड़की यहाँ भी कोई लाफ्टर प्रोग्राम करते हैं, वहाँ पर सिद्धू बैठे हुए, यहाँ पर अंकल को बिठा लेते हैं, जिस तरह ये हंसने देखे अपने, वो तो सरदार नहीं है, काम को मिला रहा है सरदार। पूछना चाहूंगी आपसे एक बात कि ये आप मतलब एज ए प्रोफेशनल ये काम कर रहे हैं, काम करते हैं हंसने, तो मतलब मेरा ये दोनों बच्चे जो है भूखे नहीं मरेंगे इसके बाद, जब मैं तो बस सही कहना, ये जा रही हूँ ऑफिस लेने के लिए। अच्छा, एक बात जो मैं कहना चाह रहा था आपको कि देखें इसे खिलाते हैं पावर ऑफ वर्ड्स, देखिए जो अल्फाज होते हैं ना इसके दांत नहीं होते, लेकिन अगर ये आपको काटने पड़ते, लेकिन अगर अभी आपको काटने पे आए ना तो आपका दिमाग आपका जिस्म सब कुछ काट के लेगा। इसलिए मुहावरा भी है ना कि आदमी इंसान थप्पड़ जो है उसकी मार भूल जाता है लेकिन अल्फाज की मार यही मैं कहता हूँ, जो आपने अल्फाज जो यूज करने होते हैं ना ये बहुत एहतियात से करते हैं, क्योंकि जिस
इन्वायरमेंट में आप रहते हैं इसको आप चेंज नहीं कर सकते, जैसे आपकी बीवी है आपके बच्चे हैं, चेंज नहीं कर सकते बीवी को। आप हमारी व्यूवर्स को, हमारी व्यूवर्स को जो खवातीन देख रही है, लड़कियां देख रही है इस वक्त प्रोग्राम, टॉपिक है हंसना जरूरी है, मुझे बताएं लड़कियों के लिए, औरत के लिए हंसना कितना जरूरी है अपनी जिंदगी में। आप देखें ना कि जब भी वो, क्योंकि जाहिर है थोड़ा सा दबाव में औरत रहती है, हमारा मुआशरा ही ऐसा है, हमेशा मर्द के दबाव में रहती है, चाहे वो पहले बाप की भाई की सूरत में हो, फिर वो मियां की सूरत में होता है, तो उस दबाव का मुकाबला आपको हंसी से करना चाहिए, है ना, अगर आप मुस्कुराते रहे। एक्चुअली बात ये होती है कि ज्यादातर मसाइल ये होते हैं कि आदमी को कौन तकलीफ में नहीं होता, लेकिन तकलीफ और प्रॉब्लम्स हर एक के साथ चल रही होती है। तो अगर आप गुस्से में बैठी हुई हैं और मैं भी आपके साथ गुस्से में बैठ जाऊंगी या मुंह बना के बैठ जाऊंगी, तो वो पीरियड जो है ना वो बड़ा लेंदी हो जाता है, आपकी प्रॉब्लम्स बड़ी लेंदी हो जाती हैं कि बहुत आगे तक चली जाती हैं। अगर मैं और आप अगर नाराज भी हैं तो हम मुंह बना के बैठे रहेंगे तो हमारी वो नाराजगी कई महीनों पे भी जा सकती है, लेकिन अगर आपका मूड सही नहीं है और मैंने हंसना शुरू कर दिया या कोई भी ऐसी बात कर ली है, तो आप कितने भी नाराज होंगे तो आपको वो टाइम जो है ना बिल्कुल शॉर्ट हो जाएगा, आप दोनों की दोस्ती हो जाएगी। तो हंसना जो है वो एक ऐसी चीज है या हंसाना एक ऐसी चीज है कि आप बहुत सारी चीजें जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं वो प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं आपकी, बिल्कुल आप उन प्रॉब्लम्स को हंसी के जरिए और मुस्कुराहट के जरिए सॉल्व कर सकते हैं। कहते हैं ना मुस्कुराहट से बहुत सारी तकलीफें दूर हो जाती हैं, तो होती हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि आपके बहुत सारे मसले मसाइल वो रिश्ते निभ जाते हैं कि रिश्ते जो है ना, देखिए आपका स्पेशली जो मियां बीवी का रिश्ता है ना, इसमें मुस्कुराहट बहुत जरूरी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, जितना खाना जरूरी है ना उतनी ही मुस्कुराहट जरूरी है। और मेरा ख्याल है जो बीवियां जो है बीवियों को मैं स्पेशली जाहिर है कि खवातीन को ये जरूर कहूंगी कि जब आदमी गुस्से में हो या थका हुआ बाहर से आए या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है जो उसकी जिंदगी में चल रही है, तो उस वक्त आप चाहे कितनी भी तकलीफ में है आप मुस्कुराती रहें और आप उसका मुस्कुराते हुए वेलकम करें, आप घर में भी उसके साथ हंसते मुस्कुराते हुए देखो नौकरी छूट गई है ना तो वो गुस्सा वापस नहीं आ सकती, ठीक है। अगर आप हंस रहे हैं और आप मतलब कूल माइंड कूल हो गया तो आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते, नई नौकरी तलाश कर सकते हैं, नई छोकरी तलाश कर सकते हैं। ये बात थी ना, लड़कियों का हंसना बहुत जरूरी है क्योंकि एक औरत ही घर का माहौल बनाती है और क्रिएट करती है, वही बनाती है वही बिगाड़ भी सकती है, तो इसकी औरत का हंसना घर में बहुत जरूरी है। मैं बुलाती हूँ अपने अगले मेहमान को जिन्होंने हमें बहुत हंसाया और हंसाते रहते हैं, जबरदस्त मेहमान है, आप लोग एक्साइटेड हो जाएंगे जब मैं उनका नाम लूंगी। अच्छा, थोड़ा इंट्रोडक्शन दूं थिएटर से। अच्छा, तुम सब लड़कियों में खुश हो, अरे हमारा दोस्त है बहुत अच्छा, मुझे पता है कौन आ रहा है, थिएटर मेरा भी बहुत अच्छा दोस्त है इसलिए मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। थिएटर से इन्होंने अपना करियर शुरू किया, बहुत अच्छे कॉमेडियन राइटर है और सिंगर भी है, इन्होंने हमें बे इंतहा हंसाया अपने गाने के जरिए और उस गाने में जो इनकी मूवमेंट थी उसके भी जरिए। मैं बुलाने वाली हूँ वडेरे का बेटा, दाड़ू माड़ू वडेरे का बेटा अली। कैसे अली? गुड, आप बताएं? मैं बहुत प्यारी हूँ। नो डाउट कैसा लग रहा है मेरे साथ सवेरा? अच्छा लग रहा है, बहुत अरसे के बाद किसी टॉक शो में आए हैं। मॉर्निंग शो है ये, पता है तुम्हें सुबह हो रही है, बाहर देखा था मैं उठ के बस उठा ले, जल्दी उठो जाओ खाना खाओ जाओ। मैंने कहने लगा कि बहुत अरसे के बाद किसी अच्छे शो में आ रहा हूँ, तो मैंने कहा आइंदा कोई नहीं बुलाएगा। अली आज का टॉपिक है हंसना जरूरी है, जरूरी और हंसना तो बहुत जरूरी है, है ना, तुम्हारे नजदीक तो बहुत ही जरूरी है, तुम तो मुझे जब देखे हो हंसते हुए देखे हो। मुझे ये बताओ कब जहन में ख्याल आया था कि मुझे तो आवाम को मतलब हंसाना है, तुम्हारी सारी एफर्ट जो मैंने देखी है इट्स ऑल अबाउट मेकिंग पीपल हैप्पी, जी तुम्हारे गानों में तुम जो लिखते हो तुम जो काम करते हो उसमें लोगों को हंसाना तुम्हारा आई थिंक सबसे अहम मोटो होता है, क्यों? डेफिनेटली मैं बचपन में है ना वो
एक बड़ा सा मैगजीन आता था उर्दू में, उसमें जोक्स लतीफे वो मैं अम्मी को बोलता था मुझे याद करा दे, तो फिर मैं लोगों को सुनाऊंगा, मेहमान आएंगे उनको सुनाऊंगा। तो जब मेहमान आते थे तो मुझे आधे याद होते थे आधे नहीं होते थे, मैं सुनाता था। तो जो फीलिंग मैं देखता था ना कि सामने वाला हंसता है, और जो मुझे फीलिंग आती थी कि यार मैंने इस बंदे को हंसाया या इस बंदी को हंसाया, तो वो जो फीलिंग थी वो हमेशा मेरे साथ ही रही। मुझे पता नहीं था कि आने स्कूल में भी जोक्स करते थे ये वो, कि इसका कुछ करियर बन सकता है, इससे भी एक बंदा कमाई कर सकता है। मुझे पता नहीं, नहीं तो मैं 10 साल का होता वहां से शुरू कर लेता, तो मुझे पता नहीं था। तो हम करते रहे करते, जल्दी पता चल गया, इनकी उम्र में जाके पता चलता तो बहुत लेट हो चुके होते। पाकिस्तानी प्रेम चोपड़ा लग रहा है। अबे तू ये आपका स्टाइल बड़ा जबरदस्त है। अंकल मैं ये सोच रही हूँ अगर आप बुरा ना माने, आपकी टांग हर्ट नहीं होती? हाँ। अबे हर्ट हो जा रही है। हर्ट होती नहीं, इनके हाथ में ना लोहा पहना दो जब ये मारो। नहीं स्टाइल अच्छा है, यूं यूं करता है। अच्छा अगले के भी कर लिया करता है। इस प्रोग्राम की मुनासिबत से आपके सबके दांत नजर आ रहे हैं। हाय दांत नजर आ रहे सर, आप देखिए ना दांत। एक अम्मा बिचारी, सच्चा भाई, एक अम्मा बिचारी बस वाले को रोजाना काजू पिस्ता बादाम खाने को देती थी। एक दिन बस वाले कह रहा ये मुझे क्या रोजाना काजू पिस्ता बादाम खाने को देती? अम्मा कह रही बेटा दांत तो रहे नहीं, सिर्फ चूस के फेंक देना, अच्छी बात। अच्छा जी, कॉल कर सकते हैं आप हमें सुर सात सवेरा में। जिसकी हंसी हमें सबसे अच्छी लगी उसमें चुप नहीं होगा इस दुनिया में, उसमें कभी नहीं। अच्छा जब मैं चुप होने का मौका जब भी नहीं होता, यहाँ चुप रहो। अच्छा चल, आप हमें कॉल कर सकते हैं सुर सात सवेरा में प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। आप हमें हंस के दिखाएंगे अगर आपकी हंसी और हंसी की आवाज हमें सबसे अच्छी लगी, और फंसी और अगर आप हंसी और फंस भी गई वेस्ट पॉइंट की तरफ से गिफ्ट हम पे देंगे। इसके अलावा आप फेसबुक और ट्विटर के फैन पेजेस ज्वाइन कीजिए, हमें ढेर सारे मैसेजेस आ रहे हैं। आप वहां जो भी कमेंट करते हैं, जो भी मैसेज करते हैं, वो ऑन स्क्रीन जल्दी से आपके टेलीविजन सेट पे नीचे स्लाइड पे चलना शुरू हो जाता है। उज्मी के लिए आज बहुत सारी बर्थडे विशेस भी आ रही है उज्मी। हालांकि मैं इच्छाधारी नाथ बनने वाला हूं, इतनी एज हो गई अब। पता नहीं मुझे किसी ने बताया सालगिरह। एक और मेहमान को ऐसी कोई यादगार डिश, आपकी ऐसी कोई यादगार डिश जो आपके सामने हाथ जोड़ती है खुदा के लिए अकेला छोड़ दो। एक और मेहमान को बुलाते हैं सेट पे, मशहूर टीवी एंकर आरजे रह चुके हैं बहुत सालों के लिए, आई थिंक सबसे फेमस आरजे है हमारे पास ये। और इसके अलावा जी बिल्कुल एक्टर है, मैं बुला लूं, मैं बोलूं अयाज अहमद। बाबा थैंक यू, सेम टू यू। यार तारीफ बच्ची कर रही है, करने दिया करो, नहीं बीच में जुगत देनी है। नहीं वो कह रहे हैं कि रेडियो से बाहर आ जाते हैं, वो कह रहे हैं रेडियो से क्या तुम फेमस है। अच्छा अली को तारीफ करने दिया करो, कभी तो करती है। जब तुम्हारा नाम सुना कैसे मिला? ये क्या बात है? मैं उधर देख के और आपको बस देख रहा हूँ। अच्छा यार हंसने के लिए क्या करते हो? अगर मैं इनको देखता हूँ, भाई को देखता हूँ, बस देखते ही मुझे हंसी आई। हाँ अभी तक तो नहीं आई वो, अभी मैं स्टेज देख लिया तुमने, सेट में एक भरम में। अच्छा बाथरूम में भी तो बहुत लोग हंसते हैं सर नहाते वक्त।
साबुन की वजह से हंसी आती है या वैसे? नहीं नहीं, ठंड ठंड में आप जब नहाए ना कोशिश करें ठंडे पानी से नहाए, ठंडे पानी से हंसी निकल जाती है। किसी डॉक्टर से पैसे लेके आए और खुद को खुद ही हंसी निकलेगी आपकी। और आप बहुत अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कभी गलत जगह हंसे और आपकी पिटाई हो गई हो क्या? सीन तो सुना अच्छा सा ऐसे हो। बस मैं बताया था, एक दफा हम तुर्की में थे तो ट्रेन में सफर कर रहे थे, ठीक है, मैं और हमारे दोस्त से हम बातें कर रहे थे और फिर हंस भी रहे थे, तो बताया कि पहले तो एक औरत आई। हाँ सर, वो बता वो सब सुन लिया इन्होंने, लेकिन सर वो किस्सा सुन लेंगे, बस एक दफा एक किस्सा। अच्छा ये रिपीट में सुन लेंगे, रात में 11 बजे रिपीट बताने शो उसमें देख लेगा। पिटाई नहीं हुई, बच गए। अच्छा कभी कोई औरत आपके पास आई, खेल इंसान बन जाओ, किसने कहा? होता ना कोई आके डांट दिया, क्यों हंस रहे हो? तो खासा होता है ना, बुरा आप बस स्टॉप पे खड़े हो, हंस रहे हो, किसी को देख के किसी ने हाथ, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा होता है, ये तो जनरली बात है। सर हंसी की टाइमिंग बताएं कि हंसी कब हंसना है, कब नहीं हंसना है। मौके की कोशिश करें, सर जनाजे पे जाके बसेंगे तो बुरा लगेगा बहुत, मैयत देखते हुए हंस रहे हैं लेकिन इतना सेंस तो होता है आदमी। हाँ ये, लेकिन जहाँ रोने वाली बात हो वहाँ फंसे तो आपको लोग क्या कहेंगे? वाह वाह ये है, लेकिन हंसने वाली जगह पे जरूर इंजॉय करें। और सब बिल्कुल सबसे खतरनाक हंसी वो वाली होती है जब आप अपना कुछ सोच के हंस रहे होते हैं और आपको मतलब बड़ी देर से आप मुस्कुरा रहे होते हैं, हंस रहे होते हैं अपना कुछ सोच के, और आपको एकदम से ख्याल आता है आपकी नजर किसी लड़के की तरफ है, वो क्या सोच रहा होगा? और आगे जिसकी तरफ नजरें टिकी होती है वो खुश हो जाता है, उसका पूरा दिन बन जाता है इस चक्कर में, है ना उसमें। तो ऐसा आप कितनी दफा करती है दिन में? मैं तो बहुत दफा करती हूँ। अली भाई खुश आप लोगों को सबसे ज्यादा गुस्सा, ईमानदार सबसे ज्यादा गुस्सा किस चीज को देख, सॉरी सबसे ज्यादा हंसी किस चीज पे आती है? देखने की बात की तो इधर हाँ आयत बोलना यार। अच्छा, क्या क्या पता है हंसी किस बात पे हो, किसको देख के या क्या देख के? यार हंसी ऐसी चीज है जो कभी किसी बात पे भी आ सकती है, नॉर्मल चीज है, कभी वो आपको कभी ऐसा मूड आपका अच्छा हो या कुछ ऐसा हो तो वो आपको नॉर्मल बात पे भी आ जाती है। हाँ, और कभी आप बड़े से तूफानी लतीफा भी ऐसा होगा घूंघट उठाया थी आगे उस वक्त हंसी खत्म हो गई थी। घूंघट उठाते हुए हंसी जरूर आती है, लेकिन दोबारा जब डालते तो बड़ा रोना। सर दुल्हन गंजी दिया, दुल्हन गंजी दिया, भाई तुम अपना विग लगा के आए क्या? सब यही कह रहे हैं नहीं, उसके बाल घने हैं, उसके बाल घने हैं, बाल आपके घने। सर मैं एक बात पूछना चाहूंगा, आपने ठंडे पानी से बंदा नहाता तो हंसी निकलती है, लेकिन मैं एक दफा नहाया था वाइब्रेशन पे लग गया। चलिए मेहमानों की तरफ और टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। हंसना जरूरी है, तो हंसना क्यों जरूरी है? अली मुझे ये बताओ कि जब घर का माहौल, ऑब्वियसली कभी कोई कुछ हो जाता है घर में तो लड़ाई हो जाती है बहनों की, बहन भाइयों की लड़ाई हो जाती है, अम्मी अबू से कभी कभी कोई बदमजगी हो जाती है, तो उसको नॉर्मल कैसे करते हो माहौल को? नॉर्मल वही हंसी मजाक, इससे ही नॉर्मल होता है, क्योंकि मेरी अम्मी के साथ मैं बहुत क्लोज हूँ और बहुत मुझे उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है और बहुत, तो हम दोस्तों की तरह हैं, तो कभी वो नाराज हो जाती है तो मैं उनको बाहर लेके जाता हूँ और खाने पे या कहीं या शॉपिंग करा देता हूँ, क्योंकि शॉपिंग तो सीनॉन है। शॉपिंग तो सब कुछ, वैसे तो मैंने देखा है इनको अक्सर शॉपिंग करा रहे होते हैं, मगर अम्मी तो नहीं थी यार वो, होने वाली है, होने वाली अगर है तो बहुत जंग है भाई। बच्चों की अम्मी की बात कर रहे हैं, वो बच्चों की अम्मी की बात कर रहे हैं। आप क्योंकि आरजे भी हैं, टीवी एंकर भी हैं, एक्टर भी हैं, क्या तो काम कर रहे होते हैं, तो देखिए हर इंसान हर वक्त तो खुश नहीं होता, ये एक सच्ची बात है, ठीक है, आपके ऊपर भी टेंशन होती है, 10 चीजें 10 मसले मसाइल होते हैं, मगर लोगों को हंसाने के लिए जब आप एक जगह बैठते हैं, लोगों का मूड अच्छा करने के लिए जब आप रेडियो पे बातें आपको करनी होती है, आपको पता होता है कि आपने 2 घंटे निकालने, आपने 2 घंटे बातें करनी है और खुशियों भरी बातें करनी है, मगर दिल नहीं चाह रहा, तो अपने अंदर की फीलिंग्स को मार के किस तरह वो काम कर रहे हैं? मेरा सिनेरियो थोड़ा सा चेंज है, जिस दिन मैं सोच के जाता हूँ कि आज मैं सीरियस प्रोग्राम करूंगा उस दिन सबसे ज्यादा मस्तियां हो रही थी, और जिस दिन मैं सोचता हूँ हाँ जरा हल्ला गुला मस्ती होनी चाहिए उस दिन सबसे माटा, नॉर्मल और रेटिंग उसी की आती होगी, और रेटिंग उसी की आती, जिस दिन आप सोच के जाते हैं यहाँ जी बहुत बुरा प्रोग्राम है, वाह वाह, किसी ने आपको टीम कहती है बहुत ही बुरा था, अगला तो उसकी रेटिंग हाईएस्ट, और एक एक प्रोग्राम में लोगों ने क्लैप कर दी रेटिंग ही नहीं, ये बता रही है, ये है मेरे साथ, वैसे अक्सर ऐसा होता है सर में दर्द है तबीयत सही नहीं है लेकिन आप चले जाते हैं विराम करने के लिए, लेकिन करना पड़ता है कभी कभी, क्योंकि ये तो पार्ट ऑफ द जॉब है, पार्ट ऑफ द जॉब है, इसीलिए मैं ये सवाल कर रही हूँ कि हमारे लिए तो सबसे ज्यादा मुश्किल होता है, अब एक इंसान का रोजाना तो नहीं कोई मूड अच्छा होगा जब आप आके बैठे, जैसे जब मैं थिएटर करता था तो
एक दिन हमारे कोई फैमिली में डेथ हो गई थी और है ना, और नेक्स्ट सुबह मॉर्निंग मुझे थिएटर शो था और एक बड़ी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में था लाहौर की, और वहां पे मुझे हंसाना था लोगों को, और रात को ये 12-1 बजे हुआ है और सुबह को हंसाना था 8-9 बजे, पर हमने कहा करना है तो करना है, और वो वन ऑफ द बेस्ट शोज गया था हमारा, क्योंकि उसमें उतना ही पैशन था, क्योंकि जब आप इंटरटेनर होते हैं, जब आप एक कॉमेडियन होते हैं या परफॉर्मर होते हैं, तो आप जो भी एनर्जी लेते हैं, जो भी आपको मिलता है, उसको आप यूज करके और उसको पॉजिटिव बना लेते हैं, तो वही जिंदगी में भी आपका आउटलुक यही होना चाहिए कि आपको जो भी चीज मिले, स्ट्रगल मिले, उसको आप यूज करके उसको पॉजिटिव होता ही है कि ये आपकी तो फैमिली में था, मेरे फादर की डेथ हो गई थी, लंदन में थे, तो मैं लंदन गई हुई थी, तो यहाँ पे सचमुच की रिकॉर्डिंग्स चल रही थी, तो मुझे कॉल आई अमीर इमाम साहब की, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, मुझे कहने लगे कि आप, हम जितना चला सकते थे 1-2 एपिसोड तो हमने चला लिए, लेकिन अब हम नहीं आपको इग्नोर कर सकते, तो आप कोशिश करेंगे फौरन आ जाए। अच्छा, मैं बच्चे भी छोड़ के, मेरे फादर की डेथ हुई हुई है, मैं अपने बच्चे छोड़ के लंदन में, तो मैं पाकिस्तान आई। अब मतलब कोलीग्स ऐसे के जो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हों, दोस्ती, मोइन अख्तर मेरा बेस्ट फ्रेंड, मोइन अख्तर, अमीर इमाम साहब, सब फैसल, ये सभी थे। अब जैसे मैं एंटर हुई हूँ तो रिकॉर्डिंग के लिए सेट पे, तो मैं तो धाड़े मार के रोना शुरू कर दी, इतना ज्यादा मैं रोई, मोइन रो रहा है, अमीर इमाम साहब, मतलब शहनाज सब रो रहे हैं बैठ के ना, तो इतना मतलब 1-2 घंटे गुजर के रिकॉर्डिंग नहीं हो सकी, मैं इतना रो रही थी। फिर मोइन ने मुझे कहा कि, मोइन ने कहा कि देखो तुम कितना रो रही हो, तुमने, तुम्हें ये कभी सोचा कि इस वक्त दुनिया में जो हमारा शो देख रहे हैं लोग, देखते हैं वो कितना रोते हैं, तो जब हमारा शो आ रहा होता है तो वो कितने खुश हो जाते हैं अपने गम बुलाकर, तो तुम में क्या ये चाहोगी कि सिर्फ तुम रोती रहो और लोग भी सारे मिलके रोए? अगर तुम अपना रोना छुपा लोगी, अपनी तकलीफ को छुपा कर, तो इस वक्त हम अगर ये शूट कर लेंगे, क्योंकि ये ऑन एयर जाना है, और तुम्हारे इस शूट की वजह से कितनी दुनिया के चेहरों पे तुम मुस्कुराहट फैला दोगी, तो कितनी अच्छी बात है, तुम्हारे बाप की रूह भी खुश होगी कि मेरी बेटी जो है अपना गम छुपा के दूसरों को हंसा रही है। तो इस जुमले से उसके बाद सेट का माहौल अच्छा हुआ, उसने 2-3 लतीफे सुनाए, हंसी मजाक चला आधा घंटा, उसके बाद हम लोग सेट पे प्रॉपर काम कर रहे हैं। बाकी मैं सोचती हूँ कि एक्टर तो काम कर लेता है, एक्टर को एक्टिंग की स्क्रिप्ट मिलती है, स्क्रिप्ट मिलती है और जो उसको कहा जाता है वो कर लेते हैं, मगर वाकई स्टैंड अप कॉमेडियंस जो होते हैं, जो उसी वक्त सोच रहे होते हैं, हमारे जो सिटकॉम होते हैं ना, उसमें आप स्क्रिप्ट से ज्यादा खुद बात कर रहे होते हैं। अगर आप थ्रू स्क्रिप्ट जाएंगे ना, तो आपकी कॉमेडी किल हो जाती है बिल्कुल। हाँ। आप लफ ब लफ आप स्क्रिप्ट से नहीं बोलेंगे, बोल लिया तो आपकी कॉमेडी नहीं। लेकिन ये कॉमेडी क्या है? कॉमेडी एक दुख है, एक बंदा केले के छिलके से पिसल गया उसके लिए दुख है, हमारे लिए कॉमेडी है। बिल्कुल सही बात है, नहीं बात नहीं, नहीं, ये बड़ी गहरी बात है और ये सच्ची बात है। हाँ, मैं इसलिए गहराई में जाके कर रहा हूँ। अच्छा, ऑडियंस में जो सबसे ज्यादा फनी हंसेगा उसको हम गिफ्ट हैम्पर देंगे। ओए होए, वाह 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 वाह, चलो बरकत चलते बैठे हम सब उधर। बहुत अच्छा मुकाबला है, मजा आ रहा है बहुत। पता कौन हंसेगा? अरे भाई, इनको देखो, कौन हंसेगा? इनको देखो, बड़ा सा सरप्राइज लेकर आ दिया। सबसे अच्छा हंसो, ये देखिए माहौल ऐसा हो गया हमारे यहाँ तो, आजकल ये कोई हंसने को राजी नहीं है भाई। और ये इसका दूसरा बना लेते हैं, मैं यहाँ ला के रखूँ, देख देख के लालच आएगी और हंसी भी आएगी। कैसे हंसना शुरू किया? ठीक है, सबको हंसाना शुरू करते हैं। नहीं नहीं, हाथ आप उठाए, किसी एक को बुला लें उनमें से, सबको हंसाना शुरू करते हैं और जो सबसे फनी लगेगा। आप आएंगे, आइए आ जाए, आप आ जाए। आप भाई का नाम क्या था? आप मेरे ख्याल में जरा मेरे साथ बाहर आ जाएं। और कौन है? और यार, ये शर्ट छोटे भाई की पहन ली तुमने, मुझे लग रहा है नीचे नहीं हो रही और, लेकिन है अच्छी, लेकिन है अच्छी। हाँ नहीं, ओके ओके, ठीक लग रही। और ये बाल कौन? अबू के? आप सिर्फ हंस के दिखा दे। आगे और आ जाए, और आइए ना, और कौन आ रहा है भाई? 3 बंदे आ जाए। मैं कोई नहीं आ रहा तो वो मशीन में ले जाऊंगा और जूस बना के बेचूंगा। सर, उसके लिए फ्रूट का होना लाजमी है, जूस के लिए। महंगाई में फ्रूट कहाँ से लाओगे? ये है ना, ये फ्रूट है। और कोई? अच्छा, बैठ जाइए आप, 1 सेकंड बैठिए बैठिए बैठिए। हाँ, जज्बाती, सबने हंसना शुरू करना है एक साथ, ठीक है? उसमें सब मार कर लेंगे। हाँ, Ha 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 ha
मैं ले रहा हूँ, दोनों ले रहे हैं। दुआ आप बताएं सर, आप बताएं कौन आप ये खातून इनकी ब्लैक ब्लैक इसका आई 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 अब आप हंस के दिखाएं। अच्छा अब ये हंस के दिखाएं, कैमरे में हंस के दिखाएं। दुआ ये भी बताएं ना, ये किस आपने किस लिहाज से कहा कि ये सबसे अच्छा हंसी है? इधर इनके डांस सबसे ज्यादा नजर आ रहे थे, इधर इधर डांस सबसे ज्यादा नजर आ रहे हैं। चलें चलें, वन टू थ्री। अरे आतो करनी पड़ेगी भाई, करनी पड़ेगी। आप क्या मेरा भाई, आप बॉर्डर पे खून देते हो फौजियों को। उन्होंने फैसला किया है कि सबसे अच्छी मुस्कुराहट उनकी, वो जो वो बच्ची जो है उनकी उनकी बात कर रहे हैं। अच्छा इसकी वजह आपने कही कि दांत पूरे नजर आ रहे थे, दांत बड़े हो तुम्हारे को तुम्हें भाई हंस हंस के ले गई यहाँ से। आइए बेटा, आ जाए बेटा। थैंक यू बेटा, थैंक यू, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। आप हंसाएंगे तो शायद आप ले जाए। कहाँ हंसाऊंगे, जब बरकत है तो मुझे ख्याल जरूरत है। उसमें भाई हैं तो ये हंसाएंगे। उसमें भाई इसको बना दे मोहनजो दड़ो का आदमी सीनियर। आज उनकी बर्थडे, चलो। अच्छा सवाल क्या है, व्हाट्स द नेक्स्ट क्वेश्चन? थोड़ी सी ब्रेक लेते हैं, कहीं मजा आएगा। सुबह सात सवेरा में वापस आके हंसना बहुत जरूरी है। हंसने से इंसान के जिस्म से एंड्रोफिन्स रिलीज होते हैं, जो इंसानी जिस्म के लिए सबसे बेहतरीन पेन किलर है। इसलिए हंसना बहुत जरूरी है। अच्छा। और आप सबको मजीद हंसाने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगी अलीगुल पीर से कि वो आए और हमारे लिए एक अच्छा सा गाना गाएं और बरकत रात करेंगे। बरकत ये लीजिए माइक, आ जाए आ जाए माइक है। और आज सर इधर क्या करूंगा अलीगुल पीर, आज मंगल के दिन आप एंजॉय करें। माइक उसमें माइक क्या, कितने माइक सब जाएंगे क्या? बरकत के लिए दीजिएगा। मैं क्या करूंगा रैप? अच्छा अच्छा बरकत रैप करेंगे? नहीं चल बहुत बहुत अच्छे अपनी तरफ से, अपनी तरफ से। हाँ जी कॉम्बिनेशन है कुछ सर, वो बना वो लगा दो बाबुल की दुआएं लेती जा। अली भाई का गाना, अली भाई, अली भाई हो जाए कोई अच्छा सा ना। ताड़ू 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 यस या पहले वडेरे का बेटा सारे कर दो। कितने कितने गाए? अच्छा एक एक फ्रेज दोनों का, ठीक है कुछ मिक्स एंड मैच करके। प्लीज मर्दाने में आए, मर्दाने में मैं इधर इधर। अच्छा चले जी। ऐ जमाने वालों मैं हूँ ताड़ू, ताड़ा के देखू मैं हूँ वो मारू, भले साथो बॉयफ्रेंड या हो मामू, मैं तुझ पे चलाऊ अपनी नजरों का जादू, लफ्जों की ना जरूरत करूँ आंखों से बात, इसका मतलब योर वेरी हार्ट, मैंने करने दूंगा किसको इजारे प्यार, अबे क्या कर रहा है मेरी बहन है यार, ताड़ू माड़ू नहीं करने दूंगा प्यार, ताड़ू माड़ू सबको करूंगा फुहार, ताड़ू माड़ू जब तक पड़ती नहीं मार, मैं इसको ताड़ू उसको ताड़ू सबको ताड़ू उसकी ताड़ू, ताड़ू माड़ू नहीं करने दूंगा प्यार, ताड़ू माड़ू करूंगा फुहार, ताड़ू माड़ू सब पड़ती नहीं मार, मैं इसको ताड़ू उसको ताड़ू सबको ताड़ू उसकी ताड़ू माड़ू साई तो साई, साई का शो भी साई, साई तो साई, साई की मॉर्निंग भी साई, साई तो साई, लाफ्टर थेरेपी भी साई, साई तो साई, साई की ऑडियंस भी साई, साई तो साई, साई की हंसी भी साई। Why did they come in? Why did they come in?
बहुत मेहनत का काम है यार। नेक्स्ट गाने में जरूरी बदल, झगड़ों में कानों में हर जगह दर्द हो गया। अली गुलबीर आपने जो कर दिया ना, ये सदाबहार गाना है, तू भी आऊंगा। और गाना तो सबने देखा। मैं माजरत कहूंगा, मैंने आपका गाना थोड़ा खराब किया, माजरत चाहता हूँ। नहीं नहीं, बहुत अच्छा किया। मगर एक एक वीडियो है जो शायद बहुत कम लोगों ने देखी हो, जब पाकिस्तान में यूट्यूब खुला था जी। तो मैंने एक वीडियो देखी थी कि जब तुम रिकॉर्डिंग करा रहे थे तो एक अंकल आए थे जी। अंकल आए थे और वो आपको, अली गुलपीर खड़े हुए थे और वो रिकॉर्डिंग करा रहे थे, वीडियो शूट करा रहे थे, और एक अंकल आके ज़ईफ़ से इनको बड़ी परेशान और हैरान को नजरों से देख रहे थे कि क्या कर रहे हैं। और अली इतना कोई बेशरम जानबूझ के उनको तंग करने के लिए ना उनको देख देख के डांस कर रहा था। अंकल शर्मिंदा होकर खुद ही भाग गए। हम किसी के घर के बाहर शूट कर रहे थे, तो हमने वहाँ पे शूटिंग कर रहे, तो ये अंकल किसी और घर से दूर से कहीं आ गए और वो आके है ना, बस हमें देख रहे हैं और मुझे भैया शूट चल रही है, हमारी रिकॉर्डिंग चल रही है, अब वो आ रहा है और हर किसी पूछे ये कब खत्म होगा। हटो यहाँ से, हमारे घर के सामने आ गए हो, और उनका घर था एक गली छोड़ के। वो वाले नहीं होते अंकल, मिला वजह मिला वजह, वो बोल रहा हूँ वो रिटायर्ड होंगे। अल्लाह, एक दफा क्या हुआ, मैं बताती हूँ मैं एक दफा सिनेमा गई अपनी फैमिली के साथ ना, तो मैं हंसती बहुत जोर जोर से हूँ, ये मेरे साथ मसला है, हर एक के साथ में मसला होता है, मेरा ये मसला है। डॉक्टर साहब कोई हल बताएं, इनका कोई हल है कोई? जोर से ना, अच्छी आदत है। मैं हमारा एक मॉल है जिसमें सिनेमा भी है बहुत बड़ा कराची का, वहां मैं गई तो मैं हंस रही थी जोर जोर से अपनी फैमिली के साथ, तो गार्ड आया वहां का और उसने बोला यहाँ हंसना मना है, यहाँ फैमिलीज आती है, आपको नहीं पता फैमिलीज आती है, हंसना मना है। ये क्या बेतुक की बात है, मतलब अब ऐसा होगा कि फैमिली जाती है तो हंसना, तो रोने के लिए आती है क्या? मैं ऐसे ही जैसे हंसती हूँ, ऐसे नॉर्मली। ये तो फैमिली में हंसते हैं लोग ऐसे, है ना? पता नहीं शायद बेचारे की फैमिली नहीं होगी। सर आपने कोई गाना वाला इस तरह का गाना बनाया है अपने क्लब के लिए? जो आपने बनाया नहीं है, ऑलरेडी शोएब हसन ने गाया था ना, वो कहता है मुस्कुराए जा मुस्कुराएगा तो हम भाग जाएंगे मुस्कुराए जा। सिंगिंग एकेडमी भी होनी चाहिए माशाल्लाह। गाने के टाइमिंग बनाए आप, सोने से पहले और जागने के बाद, इस तरह का कुछ रात कैसे? डॉक्टर साहब चलो साल का रियाज सही है आपको यार, देखो एक रियाज से काबू चल रहा है यार। देखो अगर आपकी आवाज अच्छी नहीं है तो क्या मतलब आप गाओगे नहीं? नहीं, आवाज अच्छी है, आपकी आवाज बहुत अच्छी है। क्या मतलब है हमारे कानों का ना, क्या मतलब है तुम्हारा? अगर उसको हंसाना नहीं आता तो इसका मतलब है ये वो लॉफिंग ट्रैफिक छोड़ दे। दो चीजें जो है ना आदमी का जुगे, एक सिंगिंग और दूसरी डांसिंग। हाँ, डांस भी जो है ना, डांस की टाइमिंग क्या आपकी कलम की क्या? सर जाते वक्त कार्ड देते सर, कार्ड देते जाइए। और आपका डांस कब तक होता है बता देता क्या उस वक्त ना है? ऑडियंस में गिफ्ट हैंपर्स देते हैं, ऑडियंस में गिफ्ट हैंपर्स देते हैं। पहला सवाल कहती हूँ, हाथ उठाइएगा जवाब, किसी ने वैसे नहीं देना, ठीक है? हाथ जो माइक लेगा फिर जवाब देगा। बड़ा लंबा बबली के अबू की, बबली के अबू की 5 बेटियां हैं, कमल बबली के अबू की 5 बेटियां, कमल अस्मा हिरा बंटो, पांचवी बेटी का नाम क्या है? उसमें बबली के अबू की 5 बेटियां हैं, कमल अस्मा किरण बंटू। माइक दीजिएगा इनको, माइक दे। बबली, बबली, ओके, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बबली। और आपको इनाम देगा एक अगली, बबली भी आ गई अगली। अच्छा बहुत अच्छा, थैंक यू, आपने जवाब दिया, मैं ये ले जा रहा हूँ, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, ये लीजिए, ये बबली का अबू को पटा दी। कौन सी चीज है जो बढ़ जाए तो कम नहीं हो सकती? हाँ, मेरे बाल बढ़ जाए। कौन सी चीज है बढ़ जाए, हाथ हाथ पहले कम नहीं हो सकती? आप जिससे चाहे, ये सबसे, और आज बढ़ गई, पता है ये सब आगे बैठी है, आगे बैठी यार, सागर कुछ हवा थी दे रहे हो, इसीलिए मैं सालगिरह नहीं मनाता। ले लीजिए, शुक्रिया, बहुत बहुत। जब दूसरे चैनल में लड़कियां आके देती हैं, अच्छा कहते हैं, उसमें आके देख रहे हैं, 2020 वर्ल्ड कप में, 2020 वर्ल्ड कप में भी जा रहा हूं, बाकी बाद में, बाकी बाद में बैठ जाओ, तुम्हारा मजा आ गया।
और है ना, थोड़ी देर बाद देंगे ना। अच्छा ठीक है। अच्छा कहते हैं कि हंसने से और हंसाने से दोस्त भी अच्छे बन जाते हैं। बिल्कुल सही बात। और वो लोग जो गुप्पा बन के बैठे रहते हैं और हंसते नहीं है, उनके दोस्त नहीं बनते। ये बात सच है। नान में भी एक बंदा ऐसा होता है, शादी में भी टेंशन में घूम रहा होता। वो पेप्सी नहीं पूछी मुझे, बोतल क्यों नहीं पूछी मुझे घर वालों ने। मूवी का क्या अंकल, मूवी वाले अरे बनवा लेंगे बेटा, क्या बात है। बाद में हमें तो बुलाया, मूवी वाला भी तो चला के उसी वक्त आता है जब राने वो काट रहे होते हैं। ये भी तो देखो, बातें चेंज, खाना खा रहे जैसे कैमरा और क्या और औरतों में जब कैमरा आता है ना, जैसे कैमरा आया तो बात यूं हो जाती है, देखो कैमरा आ रहा है, देखो मनुष्य गया नहीं खड़ा हुआ। अच्छा अच्छा, तो मैं पता कल आपको मेरा अबू गिर गया क्या नजरों से, करे नहीं सीढ़ियों से। बातें चेंज हो जाती है। हाँ जी, बातें चेंज हो जाती है जब कैमरा आता है। ऐसे लोगों की कुर्सियां चेक करो, 6-7 बोतलें होंगी नीचे। नीचे रख दे अच्छी। कहाँ से? वालेकुम सलाम, मिसेज आसिफ बात कर रही हूँ कराची से। मिसेज आसिफ कैसी है, प्रोग्राम देख रही है, कैसा लग रहा है? बहुत बहुत अच्छा। जिस प्रोग्राम में उज़्मी भाई और बरकत भाई होंगे वो प्रोग्राम तो फिर बेस्ट है ना। चले वेला पे। हाँ जी, और बताएं, हंस के दिखाएं। क्या करती हैं, हस्बैंड को देखती हैं या उसे मजाक करती हैं? हस्बैंड को देखती हूँ, शुक्र अदा करती हूँ, मुझे इतने अच्छे हस्बैंड मिले हैं। अरे माशाल्लाह, कहाँ से संडे मार्केट से कहाँ से? अच्छा जरा हंस के दिखा दे। अच्छा माशाल्लाह, नसीब अच्छा करे। और मुझे गिफ्ट चाहिए लाजमी, काफी देर से। अच्छा मुझसे तुम लोग बात ही गिफ्ट के लिए करते हो, कल से गिफ्ट ही नहीं रखूंगी। ये हमारी तारीफ ही गिफ्ट के लिए, देख रहे हैं। हंस के दिखाती हूँ। हाँ जी बस आप हंसते में फोन रखें। अरे गिफ्ट आपको पहुंच जाएगा, गिफ्ट पक्का। अरे मेरी बहन गिफ्ट आपको हुआ। अच्छा ये वो हॉरर शो नहीं आते थे बचपन में, वैसी लाभ थी कैसी रिकॉर्ड कर लिया हॉरर शो में गांव आई छोटी सी देख लेते हैं। साथ सवेरा में कई मजा आएगा क्योंकि हंसना बहुत जरूरी है। सुरसात सवेरा में आज हंसना बहुत जरूरी है। और मेरे सेट पे मौजूद हैं बहुत ही खास मेहमान, मेरे लाफ्टर थेरेपिस्ट इधर बैठे हैं जो लोगों को हंसाते हैं। इसके अलावा आरजे अयाज बैठे हैं, अली गुलपीर बैठे हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट हमारी गजाला आपा जो इतना प्यारा हंसती है और मुस्कुराती है, और जिनका जिनकी टिप है सारी लड़कियों के लिए कि मुस्कुराएं तो आप भी खूबसूरत दिखेंगे। ऑडियंस से मैं सवाल करती हूँ, लास्ट गिफ्ट है ये, ठीक है? अगर नीले समंदर में आपको फेंक दिया जाए तो आपको क्या हो जाएगा? कौन से समंदर में? नीले समंदर में। नीले समंदर में आपको फेंक दिया जाए तो क्या होगा? अल्लाह को प्यारे हो नहीं गीले हो जाएंगे। गीले हो जाएंगे। अरे जवाब दे दीजिए। अच्छा सबसे ऊपर जो ऊपर, हाँ सबसे ऊपर ग्राउंड फ्लोर, गीले हो जाएंगे। गीले हो जाएंगे, आधा आधा की थोड़ा सा। क्यों पूछा आपने? थैंक यू उसने। गीले हो जाएंगे आप। अच्छा सर से, सर मैं चलते हुए एक सवाल कर लूँ, सर आपसे भी एक सवाल है, किस उम्र के लोग आपके पास आते हैं? हाँ ये अच्छी, अच्छा जब आप ही जाते हैं तो किस उम्र के हो जाते हैं? ये क्या था सर? सर फुटबॉल बहुत देखते हैं मुझे लगता है। बहुत अच्छा कर रहे हैं सर फुटबॉल। किस उम्र की, बहुत अच्छी बात की, किस कौन सी उम्र के लोग आपके पास आते हैं और जब वापस जाते हैं तो किस उम्र? नहीं अच्छा ये तो ऐसी मजाक में, किस उम्र के लोग ज्यादा आते हैं? वैसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होता है वो 30s और 40s के दरमियान। अच्छा, और ज्यादा जो प्रॉब्लम होता है यार, असल में ये जो प्रॉब्लम होता है ना सिर्फ प्यास की तरह है, उसका छिलका उतारते जाओ, आखिर में एक जरा सी बात होती है जिसकी वो इतना बड़ा बनाया होता है। अच्छा। और फिर आखिर में जैसे आते हैं, और फिर मैंने बोला स्टेट ऑफ द माइंड जो है ना, वो आदमी के स्टेट ऑफ द माइंड में एक रह नहीं सकता उस स्टेट में, वो चेंज हो जाता है। कितने प्यास के छिलके उतारे आज तक आपने? अबे यार मिसाल दे रहा हूँ ना यार। अरे यार कॉमेडी पे तो हर कोई हंसता है, मगर उस हंसी के बारे में क्या ख्याल है वो जो पाकिस्तानी फिल्मों के विलेन में? अच्छा वही बात हो रही थी, बिल्कुल। अयाज ने ब्रेक से पहले बात की थी कि हॉरर फिल्म की हंसी है, ये फिल्मों में भी तो होता है ना कि हॉरर फिल्म की हंसी होती है और एक वो विलन जो होता है वो लड़की को देख के हंस रहा होता है। लड़की के मुझे छोड़ दे ज़ालिमा, वही आज के दौर में विलन कह रहा होता है मुझे छोड़ दे ज़ालिमा, बुरे काम के लिए हंस रहा। देखो दौर चेंज हो गया, लड़की को उठाने आए तो हंसने की क्या जरूरत है? चलो उनके हंसी के बारे में आपके क्या एलर्जी में इजाफा करता है ना? अब मेरे जैसी लड़की होगी तो एलर्जी करती है। वो क्यों हंसते हैं? और गजाल आपा हीरोइन हो और विलन आ जाए क्या आपको? अरे सर
आराम से बॉस, आपका आपका वो बटन की तरह जिससे ऐसी 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 बातें करोगे तो फिर क्या होगा। देखिए हमारी जॉब बनती है आपके क्लब में, एक टीचर बिल्कुल। मैं बस कह रहा था कि वो एक बार शो कर रहा था तो बहुत अच्छा शो जा रहा था, सब हंस रहे थे, एक अंकल थे वो बिल्कुल सीरियस मुझे देख रहे थे। हाँ, अभी बिल्कुल हाँ, ऐसे होते हैं और कुछ कुछ। हाँ तो मैंने छोड़ो कि मैंने पूछा, मैंने कहा अंकल आप क्यों नहीं हंस रहे, कह रहे मैं आर्मी में हूँ। तो आर्मी मना है क्या आपको? नहीं मैं कर्नल रह चुका हूँ। मैंने कहा तो सर सही है हो जाए, अब नहीं है कोई जंग नहीं हो रही। अच्छा, में वो वाला गेम खेलते थे भाइयों के साथ कि स्टैचू मैं स्टैचू बन के रहूंगा और तुम मुझे हंसाओ, अगर हंसा दिया तुमने मुझे तो मैं मान जाऊंगा, नहीं हंसूंगा नहीं हंसूंगा, ऐसे करते थे। ये बच्चे भी खेलते हैं, अभी भी खेलते बच्चे भी खेलते। एक और भी होता होगा जो आप रोड पे कहीं चल रहे होंगे, आप अचानक एक झूठ तो सुना दे, वो भी होता है। पुलिस वाले आप बैठे किसी के साथ सीरियस बात चल रही है और चाहे कोई पब्लिक में से कोई आ जाएगा, आप एक जोक सुना दे, पीछे लग जाते हैं। सही कह रहे हो, जोक सुना दे। हाँ जोक तो सुनाए, कोई हंसा सुनाते हो फिर क्या होता है? नहीं फिर बहुत प्रेशर में आप जोक कहाँ से बंदा होता है। देखिए कभी भी ऐसा नहीं होगा, मैं अचानक मैं कह दूं अयाज चलो भाई हंसाओ जरा कॉमेडी करो, तो नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होता ऐसे बड़े से बड़ा। अच्छा उसके लिए क्या माइंडसेट चाहिए होता था? माहौल चाहिए उसके लिए, माहौल चाहिए ना, अंकल चाहिए, उनके क्लब चाहिए, वो करके जाए वहाँ पे हम लोग मस्त है। अच्छा एक मैंने तकिया कलाम तो सुना लोग बोलते हैं, लेकिन ये तकिया हाथ मारना ना, ये मैंने पहली दफा देखा, हंसते हो जाओ आप यूं करते ना, मुझे अच्छा लगा आपको। अच्छा तो चले वो कॉम्पिटिशन हो जाए, कहेगा हंसाओ नहीं हंसूंगी मैं, नहीं 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 ये कॉम्पिटिशन नहीं होगा। हाँ हो जाएगा, ये खेल खेलते हुए अब नहीं होगा। हाँ मेहमानों से करवाए, नहीं वो फिर वो चलिए, मैं तो अयाज को हंसा लूंगा, अगर मुंह से नहीं हंसा पाया तो गुदगुदी कर लूंगा। अली जी नहीं हंसूंगी मैं, कुछ मदद, मैं हर चीज में मैं मदद करूँगा। आप एक स्मार्ट कैटल, मुझे नहीं मिलेगी कुछ, आपको टिश्यू पेपर मिल जाएगा, ये आपको पत्ती मिलेगी, चाय की पत्ती मिलेगी। आप पे अरे अंकल इधर बैठ जाए, इधर होके बैठ जाए, आप हंसाए तो टिश्यू इधर कर ली पूरी, बाकी तरह पूरी बिल्कुल। अगर नहीं हंसा सके तो फिर क्या होगा ये भी तो बताओ। प्रोग्राम के बाद अंकल अंकल अपने क्लब की जाके आपने बंद करें आप। अंकल कुछ कुछ जुमला, कुछ जुमला बोले ना, आपने अंकल खुद हंसेंगे तो अगला खुद अच्छा अच्छा। लेकिन अगला कसम खा के ही आया कि मैंने हंसना नहीं है, फिर तो नॉर्मल है, नॉर्मल है, कसम नहीं खाई उन्होंने, नॉर्मल आप हंसाएं, आप हंसाएं कुछ ऐसी आप सिर्फ इनकी तरफ देख लें, हंसी खुद ही आ जाएगी। आप सोचे, आप सोचे इनके सर एग्जॉस्ट फैन आराम से लग गया है। अल्लाह आप देख तो ले, देख भी नहीं रही। अच्छा चले मुझे देख ले, ऐसी कातिल नजरों से देखोगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बोला नहीं क्या आपको इनको देख के, क्या हो रहा, उल्टी आ रही, क्या हो रहा है? अच्छा सर सर को देखो, आदमी चले सर को देखो ना, ये आदमी थोड़ा यूं ही हो सर, कुछ भी ऐसे करें ना सर, मजाक चल रहा सर, माइंड नहीं कीजिएगा, है ना सर, आज तो आज करके और माइंड भी नहीं करना है भाई, सर से हमारा तय हुआ हुआ, सर से हमारा तय हुआ हुआ है सर। सर कभी आपका ऐसा दिल चाहता है मैं कुएं में गिर जाऊं कभी? कह रहे क्या हो गया, पागल हो गया। ब्रेक ले ली छोटी सी, ब्रेक बन जाएगा, वापस आके इसके साथ सवेरा में आज हंसना बहुत जरूरी है। सुर सा
सुरसाज सवेरा में आज तो हंसना बहुत जरूरी है, और सिर्फ आज ही नहीं सुरसाज सवेरा का रोजाना का ये मकसद होता है आप लोगों को हंसाना। और जितनी जिंदगियों में परेशानियां हैं आप लोगों की और हम सबकी, आजकल जिंदगी कैसी हो गई है, लाइफ कितनी डिफरेंट हो गई है। अब यकीन करें कि बरकत का 3 महीने का बिजली का बिल नहीं भरा हुआ और ये हर एपिसोड में बिजली के बिल की बातें करता है, अंदर की भड़ास निकल रही है। इसके अंदर बहुत बिजली भरी हुई है, ऐसी गुर्बत छाई है। कल मैंने चीनी का डब्बा खोला, अंदर से चूंटी निकल कर गई, खुदा के वास्ते चीनी का एक दाना दे दो, मेरी शुगर लो हो रही है, गुर्बत है। गुरबत में आदमी कैसे इंजॉय करा, हाउ डिड यू नो एंटरटेन अबाउट योर सेल्फ। डॉक्टर साहब आपकी एक बात मुझे इतनी अच्छी लगी खुदा की कसम कि आप माइंड ही नहीं कर रहे, या तो माइंड नहीं है कुछ, ऐसे लोग होते हैं बहुत सारे, खुदा की अल्लाह इनको जिंदगी से सेहत दे, वाकई में ऐसे लोग होते हैं जो अगले को एंटरटेन होने का मौका देते हैं, अपने हंस अपने पे हंस के हंसाओ, ये सबसे अच्छी बात है। जो उनका प्रोफेशनल आपके लिए गाली आपको होता ही ना, ये आखिर में मैं एक चीज शेयर करना चाहूंगा, पता नहीं शायद आप लोगों ने एंजॉय नहीं किया या क्या नहीं किया, मुझे 1.5 घंटा हो गया मैं अंदर से और आप जो फील कर रहा हूँ ना, इतना एंजॉय किया मैंने इस पूरा, इसके अलग चार्जेस होंगे, इसके अलग पैसे, हालांकि आपने कहा था आते हैं शो में, आप एंजॉय कर रहे हैं। अरे ये भी शुरू है, ये बोल रहे थे कि किसी पाकिस्तानी हीरो का वो है, साहब करते थे हम पे मरने लगी आयास लड़की, तुम जरा इधर आओ पानी मेरे मौला, तो खतरा की निशानी कर इधर आ जाओ, जब होगा। आप मोहम्मद अली साहब के फैन थे बहुत बड़े, मोहम्मद सर ऐसे खुद को मार मार के थक गई हूँ, ये ले अब ये पकड़ने सामान आप खुदा की कसम। अच्छा हंसने आपने ऐसा क्या किया जो उधर चली गई, तो कुछ नहीं हंसाया नहीं, कुछ था कोई मसला था नहीं, हंसाया नहीं ना, अब हंसाएगी ना, वैसे नजर नहीं आ रहा, अच्छा 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 नजर नहीं आ रहे थे, चले हंसाने हंसाना शुरू करें, चले जो मैंने आपको पहले टेक्निक बताई थी ना, कौन लेते कौन लेते, अस्सलाम वालेकुम, कौन बोल रहा है कहाँ से? हेलो जी, मैं मुस्कान से बात कर रही हूँ। मुल्तान से बात कर रही है? मुस्कान से, मुस्कान से बात, सिंगर तो नहीं जो गाना गाती है हमारी मुस्कान सिंगर? जी जी बिल्कुल सिंगर है हमारी, बहुत अच्छी मुस्कान है। अरे थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, वेलकम वेलकम। शो देखनी है क्या बोलेंगी हंसने के बारे में, हंस के दिखा दे हंसने के बारे में, बिल्कुल मेरा फेवरेट टॉपिक है हंसना। अच्छा। और सेम मैं आपका शो देख रही थी और सेम सीन हमारे साथ हो चुका है एक सिनेमा में जाके, लेकिन आप इतनी गमगीन क्यों नजर आ रही है भाई? ये बहुत हंसती है, बहुत तो मुझे बात से बात कर रही है, बिल आ रहा होगा ना, चले हंस के दिखा रहे हैं, जोर से हंस के दिखा रहे हैं। और बरसात उज़्मी गजाला भी सब लोग बहुत अच्छे लग रहे हैं, सुबह सुबह बहुत अच्छा शो जा रहा है। डॉक्टर साहब की तारीफ करो, दिल छोटा हो जाएगा इनका, डॉक्टर साहब की तारीफ करो, डॉक्टर साहब गजाला पहले मलंग थे पहले बाद में डॉक्टर बने, इसी वजह से बाल गए, नहीं 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 सब लोग बहुत अच्छे लग रहे हैं, सुबह बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत तारीफ हो रही है, चलो सबका ध्यान जाके जाते चाहिए, और बरकत तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू मुस्कान, वी लव यू। मुस्कान को मैसेज देना चाहती है, पूरी कॉम आपको इस वक्त सुन रही है, कोई मैं डॉक्टर साहब आपको सुन रहे हैं, कोई मैसेज देना चाहती है डॉक्टर साहब को कि ये काम छोड़ दें या जो? नहीं, मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि मैंने एक गाने का भी रैप किया है और बहुत अच्छा सॉन्ग है और बहुत जल्द होने वाला। अगर आपको डांस थोड़ा सा गा के तो सुना दें डॉक्टर साहब, माशाल्लाह अगर डांस स्टेप सीख रहे हो तो डॉक्टर साहब फिर तो डांस भी ऐसे होगा। डांस तो ऑलरेडी अच्छा है। अच्छा एक कहका लगा के सुना दें जल्दी से, प्रोग्राम का टाइम खत्म होने वाला है, क्या सुना दूं? कहका हंसी 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 हंस के दिखा हंसी सुबह सुबह जी, बात ऐसी होनी चाहिए। अच्छा उज़्मी के साथ हंसूंगी मैं, उज़्मी कोई ऐसी बात करो मैं हंसूं, मैं कोई ऐसी बात करूं उज़्मी की बड़ी दोस्ती लग रही है, मैं बोल रहा हूँ आप हंसिएगा बरकत। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, थैंक यू मुसा। हाँ जी बरकत, तुम्हारे तो नाम से हंसी आती है तो शर्म नहीं आती? भाई एक ही चीज आ जाए, हंसी आ जाए, शर्म आ जाए, तो ऐसा हो गया वो। मैं एक बात कहता हूँ, लाइफ में चाहे कितने भी दुख मिले गम मिले अपने आंसू बह जाने देना, इन्हें रोकना मत, क्योंकि रुके हुए पानी में डेंगू के मच्छर पैदा होते हैं। डॉक्टर साहब ये बात क्या है? इमाद अली की तरफ से हैप्पी बर्थडे उज़्मी ऑन फेसबुक, बहुत शुक्रिया भाई, बर्थडे अब तुम
चलो आज इसकी विदाई भी है, बर्थडे भी है दोनों। यार मुझे बताते मैं तो गिफ्ट विफ्ट लेके आ जाता, कितनी वैसे? अरे तो अब तो पता चल गया, शाम को पकाने शाम को साल के हो गए हो? उम्र क्या है? क्या उम्र? बाहर कितनी देखी? मैं बस शाम से डेढ़ साल सर। इच्छा आ रही है, याद आ रहा है, कुछ याद आ रहा है सर? कोई याद आ रहा मुझे देखे, कोई नागन, कोई सपेरा, कोई इच्छादारी स्पेरन। सर आप कौन सा गाना गुनगुनाते हैं जब अकेले में जब होते हैं, जब तन्हाई में होते हैं, जब दिल चाहता है कि मैं यार कहीं चला जाऊं? मर जाऊं तो गला ही चला, क्या हो गया? कहीं होता ना आदमी, कहीं निकल जाओ पाकिस्तान से बाहर, हाँ। और किसी के हाथ। अच्छा आपकी कोई ऐसी यादगार जगह जहां आप गए आपको घबराहट हो रही है कहीं मैं पकड़ा ना जाऊं? टॉयलेट के अलावा बताइएगा, टॉयलेट के अलावा होता ना आदमी की यादगार रहे कहीं मैं फंस ना जाऊं, कहीं देख ना ले। सर अच्छा सर मैं पानी की बिल्ली लग रहा हूँ ये करते गजल भी कह रही है हैप्पी बर्थडे। गजल गजल कौन? गजल भाभी को बताओ तुम्हारी। अरे गजल अयास पूछे डॉक्टर साहब से। मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाह रहा था कि किस तरह का डांस, मतलब हंसी किस टाइप की होती है, ये किस उर्दू वाला है, टाइप होता है मुझे कि क्या क्या टाइप्स होती है। हाँ ऐसे बिल्कुल डॉक्टर साहब सही कह रहे हैं। मैं कहां से डॉक्टर साहब, आप भूल गए कि डॉक्टर हूँ। आप डॉक्टर है, आप डॉक्टर है, अभी आपने इंजेक्शन लगाइए ताजा ताजा। डॉक्टर एक और प्रोग्राम में बताइए, डॉक्टर है ये, वो डॉक्टर है। अगर कोई मरीज इंजेक्शन लगाने को मना करता नहीं, कहता अच्छा आधा आप लगा लादा मैं लगा। यार इंजेक्शन वाले नहीं है भाई जान, ये सिर्फ जमानी गुलामी सारा काम होता है। लेकिन फिर भी वो भी डॉक्टर होता है। डॉक्टर हाँ जी, तो डॉक्टर साहब अच्छा मैं बता दें, दो किस्म के ड्रिप लगाते आधी पी गए हो यार प्लीज। देखिए एक होता है तंज और एक होता है मजा। तंज ये होता है जिसमें आप एक को पिन पॉइंट करते हैं वो सड़ते हैं और बाकी सब इंजॉय करते हैं। और दूसरा होता है मजा जिसमें सब इंजॉय करते हैं, सब इंजॉय करें। क्या बात, आदमी को हमेशा बात वो करनी चाहिए जो जिसमें सब इंजॉय करते हैं। हमने इंजॉय किया माशाल्लाह बहुत। ये तो तुम्हारा बयान है, उनका बयान भी तो। अच्छा शो का टाइम जो है वो एंड तक पहुंच गया है। चलिए हम शो खत्म करने के बाद हम इनसे जरा तफसील से पूछेंगे ना, तफसील में तालियां बजा दें। डॉक्टर साहब के लिए तालियां। आपकी बदौलत लोगों को हंसने का मौका मिला है, तो आपने सवाब का काम किया, सदका जारी है। ये सब बैलेंस कर रहे सारे तो बेस्ट। और जाने से पहले मैं अपने मेहमानों से पूछूंगी, टिप्स लूंगी जाने से पहले हंसने की, छोटी छोटी क्विक रैपिड। अली हंसने के लिए क्या जरूरी है? हंसने के लिए अपने आप पे हंसना जरूरी है। वाह 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 सब वाह वाह। हंसने के लिए अपने गम छुपा कर हंसना चाहिए ताकि खुशियां बांटे। और जब भी आप टेंस हो कुछ किसी चीज की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपने लिप्स में। जब आप दूसरों पे मजाक उड़ाते हैं और कोई आप पे उड़ाए तो उसको माइंड नहीं। बिल्कुल बिल्कुल वाह वाह वाह, ये जबरदस्त बात की इन्होंने। और मैं बोलूं हंसने के लिए क्या जरूरी है? ऑडियंस जरूरी है। अच्छी बात, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे ऑडियंस का, मेरे व्यूवर्स का, मेरे मेहमानों का आज के शो में शामिल होने के लिए। हमारा रोजाना का ही मकसद होता है आप लोगों को हंसाना, और आज का शो तो स्पेशली सिर्फ आप लोगों को हंसाने के लिए था। खुशियां बांटें, डिप्रेशन का पीछा छोड़ दें, भूल जाएं अपने सारे गम और सिर्फ मुस्कुराएं। खुशियां आपके पैर चूमेंगी आके खुद, जब आप मुस्कुराना खुद पैर धुले में हो। हाँ पैर धुले में हो। जाने से पहले मोहम्मद अली एक गाना सुना दे मीठा सा। रोते हुए आते हैं मोहम्मद अली को भूल चुके थे सारे मेरे सामने वाले। चलिए अकील सुना रहे आज। अकील माशाल्लाह। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। अफसोस ये है कि वो हमसे कुछ उखड़ा उखड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। जिस रोज से देखा है उसको हम शमा जलाना भूल गए। दिल थाम के ऐसे बैठे हैं,
कहीं आना जाना भूल गए, दिन रात हमारी आंखों में वो चंचल मुकड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। अफसोस ये है कि वो हमसे कुछ उकड़ा उकड़ा रहता है। चली गई बादल भी गरज कर बरस गए, उसकी एक झलक तो हम ऐ हुस्न के मालिक तरस गए। कब प्यास बुझेगी आंखों की, दिन रात ये दुखड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। अफसोस ये है कि वो हमसे कुछ उकड़ा उकड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। वाह वाह वाह।